ऑल राइट नमस्कार, आप सबका इस खूबसूरत शाम में स्वागत है। पर इससे पहले कि हम इस शाम को आगे बढ़ाएं और इस बारे में बात करें कि इस शाम में हम सब मिलकर क्या करने वाले हैं और हम सब यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, मैं अपने सभी साथी कहानीकारों के बिहाफ पर सबसे पहले डॉक्टर एरिक मिलर का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो क्या हम एक खूबसूरत जूम राउंड ऑफ अप्लॉज से डॉक्टर एरिक मिलर का थैंक्स कर सकते हैं क्या? और ऐसा इसलिए क्योंकि साल दर साल आप इमेजिन कीजिए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, मतलब 1 दशक पूरा हो चुका है उन्हें चेन्नई स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल को करते हुए। ये उनका 11वां साल है इस फेस्टिवल को कैरी ऑन करते हुए। बहुत सी चीजें, बहुत से फेस्टिवल्स शुरू हुए, खत्म हो गए, पेंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हमें बताया और बहुत सी चीजें बंद हुई, बहुत सी नई चीजें शुरू हुई। लेकिन जहां पेंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग, किसने सोचा था कि कहानियां हम ऑनलाइन स्क्रीन के माध्यम से एक दूसरे को उतनी ही खूबसूरती से सुना सकेंगे जितनी खूबसूरती से हम एक दूसरे के सामने बैठकर सुनाते हैं। कहानियां माने एक दूसरे के साथ, एक सर्कल में, एक दूसरे के आमने सामने बैठकर कहने का नाम है। बट डॉक्टर एरिक मिलर ने हमें ये सिखाया कि अगर हमारे अंदर एक जज्बा है तो हम किसी भी चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह उन्होंने चेन्नई स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल को ऑनलाइन माध्यम से जब पेंडेमिक के दौरान स्टार्ट किया, मेरी उनसे मुलाकात तब हुई। बहुत से कहानीकार अभी हैं हमारे साथ जो शुरुआत से चेन्नई स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल का हिस्सा हैं, बट मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैंने ऑनलाइन फेस्टिवल के माध्यम से उनके साथ अपना रिश्ता शुरू किया और आज 3रा साल है कि मैं चेन्नई स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल का हिस्सा हूं अपने एक खूबसूरत कहानीकारों के साथ। और इसीलिए मैं डॉक्टर एरिक मिलर का धन्यवाद करना चाहती हूं कि वो साल दर साल, हर साल खूबसूरत कहानियां, खूबसूरत वर्कशॉप्स, इतना कुछ इस फेस्टिवल के माध्यम से हम सबको परोसते हैं कि हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम होगा। 2 साल पहले डॉक्टर एरिक मिलर ने अपने फेस्टिवल के जरिए रीजनल स्टोरी टेलिंग यानी कि लैंग्वेज स्टोरी टेलिंग, डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं की कहानियों का एक सिलसिला शुरू किया। कन्नड़ कहानियां, तमिल कहानियां, मल्टीलिंगुअल कहानियां और उसी के तहत हिंदी की कहानियां। तो पिछले साल जब हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की जिसके तहत हम हिंदी में कहानियां कहना चाह रहे थे, तो सवाल ये पैदा हुआ कि हिंदी भाषा के लिए किन किन कहानीकारों को चुना जाए। तो वहां पे हम सब कहानीकारों ने ये सोचा कि कहानियां भाषा की मोहताज ना कभी थी ना कभी होंगी, और इसीलिए हिंदी स्टोरी टेलिंग में, खासकर हिंदी स्टोरी टेलिंग में, हिंदी लैंग्वेज स्टोरी टेलिंग में आप देखेंगे कि भारत के चारों पांचों दिशाओं से कहानीकार मौजूद हैं। अगर यहाँ पे उत्तर भारत के लोग हैं तो दक्षिण भारत के लोग भी हैं, पूर्वी भारत के लोग हैं तो पश्चिम भारत के लोग भी हैं, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल, हर कोने से इंडिया के कहानीकार हैं। और उतनी ही खूबसूरती से, उतनी ही सीमलेसली हिंदी की कहानियां वो बयां करते जाएंगे अभी कुछ कुछ मिनटों में। तो जिसे एक बार और ये प्रूव हो जाता है कि कहानियां भाषा की मोहताज ना कभी थी ना कभी होंगी, बल्कि हम सब कहानीकारों का ऐसा मानना है कि कहानियां शायद बोलने की भी मोहताज नहीं होती। कहानियां आप जज्बात से कहते हैं, जज्बात से लिखते हैं और जज्बात से ही सुनते हैं। लेकिन आज हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ खूबसूरत कहानियां आप सबके साथ साझा करने वाले हैं। कहानियां एक ऐसा शब्द जो हमें सुनते ही हमारे बचपन की ओर ले जाता है, क्योंकि अक्सर कहानियां हम बचपन से ही सुनना शुरू कर देते हैं। और आप मानिए या ना मानिए, हम सब कहानीकार यहाँ पे जिंदगी के कुछ 30, 40, 50 दशक जी चुके हैं और कुछ शायद उससे भी यंग होंगे, लेकिन 30, 40, 50 साल के कहानीकार हम अपनी जिंदगी हम देख चुके हैं। और आप माने या ना माने, आज भी हम एक छोटे 3 साल के बच्चे की तरह कहानियां सुनने के लिए उत्सुकता से यूं आगे आकर बैठ जाते हैं।
और जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो हम कभी हाथी बन जाते हैं, कभी घोड़ा बन जाते हैं, कभी बिच्छू बन जाते हैं और कभी कार बन जाते हैं, या तरह तरह की आवाजें निकाल के एक 3 या 4 साल का एक बच्चा बन जाते हैं। जी हाँ, कहानियों का जादू है ही कुछ ऐसा। तो क्या कहानियां सिर्फ जादू के लिए हैं? क्या कहानियों का काम सिर्फ हमें हंसाना है? जी नहीं, कहानियां हमें रुलाती भी हैं, कहानियां हंसाती भी हैं, कहानियां जिंदगी का अर्थ भी समझाती हैं। लेकिन कुछ कहानियां प्रेरणादायक होती हैं। प्रेरणादायक मतलब कि कहानियों से हमें एक ऐसी सीख मिल जाती है, एक ऐसा टर्न अराउंड हो जाता है हमारी जिंदगी का कि हमारे सोचने का नजरिया बदल जाता है। डॉक्टर एरिक मिलर की चेन्नई स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल का ये थीम है कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं कहानियों के जरिए, किस तरह से कहानियों के जरिए हम हीलिंग कर सकते हैं, और किस तरह से कहानियों के जरिए हम प्रेरित हो सकते हैं और प्रेरित कर सकते हैं। आज की शाम कुछ ऐसी ही कहानियों के नाम लिखी गई है। ऐसा जरूरी नहीं कि हंसी मजाक और अच्छी कहानियों से ही हमें प्रेरणा मिले। आज की शाम में आप ये भी देखेंगे कि कुछ कहानीकार अपनी जिंदगी, अपनी आप बीती कहानी को कैसे कहानियों के साथ, कैसे लोक कथाओं के साथ जोड़कर आगे बढ़े। शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा विवेकानंद जी का किस्सा आपको मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। विवेकानंद जिनके बारे में हमें से बहुत लोग जानते होंगे और सुना होगा, उन्हें पढ़ा होगा, बहुत सी प्रेरणादायक कहानियां वो लिखते रहे हैं और हम उनकी कहानियों को पढ़कर बड़े हुए हैं, और एज कहानीकार, एज स्टोरी टेलर्स, बहुत खूबसूरत कहानियां हम उनकी लोगों से साझा करते हैं। एक बार ऐसी ही एक छोटी सी कहानी जिसमें विवेकानंद एक सभा में बैठे थे और एक औरत उनके पास आई और उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर उनसे ये प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी, आप मुझसे शादी कर लीजिए, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपके जैसे साथ की जरूरत है, तो आप मुझसे सिर्फ शादी ही कर सकते हैं, इसीलिए मुझे आपका साथ मिल पाएगा। तो अगर कोई और होता तो जाने क्या जवाब देता और जाने क्या किस तरह से उस औरत की गुत्थी को सुलझाता, क्या उसे डांट के भगा देता, क्या उसे इस बात के लिए नाराज हो जाता कि मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक गुरु हूं और मैं शादी के बंधन में नहीं बन सकता। बट विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए, और वो हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देते थे जैसा कि हमने उनकी कहानियों में पढ़ा, मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया कि हे देवी, मैं शादी तो नहीं कर सकता, पर हाँ, आपको अपना साथ जरूर दे सकता हूं। महिला ने उत्सुकता से कुछ स्ट्रेंज सरप्राइज लुक देते हुए कहा, वो कैसे? तो विवेकानंद जी ने उसी मासूमियत से उसे जवाब दिया कि आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए, मुझे मां मिल जाएगी और आपको मेरा साथ मिल जाएगा। और इसी बात को सुनते उस महिला की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे और उनका हाथ विवेकानंद जी के सर पर आशीर्वाद के लिए बढ़ चला। ऐसी ही कुछ प्रेरणादायक कहानियां, जैन कहानियां, अपनी आप बीती कहानियां और कुछ मजेदार किस्सों के साथ इस शाम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं गुजारिश करूंगी अपनी सह मित्र और सह कहानीकार पूनम और वृंदा को यहाँ आने के लिए और इस शाम को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया, जो आप यहाँ आई और हम सबके अंदर एक ऐसी स्फूर्ति भर गई, एक ऐसी एनर्जी जिसे कहते हैं भर गई, कि आज की शाम मुझे अभी से ही रंगीन और खूबसूरत नजर आने लग गई। और कहानियां जिन्हें कहने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, वो तो अनायास ही हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले आती है। वो शब्द ही ऐसा है, ले चलता है हमको बचपन के गलियारों में, उन गलियारों में जहाँ हमने हंसते गाते दादी नानी मम्मी पापा भाई बहन सभी से कहानियां किस्से सुनी है, और तो और हमारी किताबें भी तो भरपूर कहानियों का खजाना थी। न जाने कब उस हंसी मजाक में हम बड़े हो गए और कहीं शायद कहानियों को पीछे छोड़ा है, पर क्या कहानियां कभी पीछे छूटी हैं? कभी नहीं, वो हमारे साथ है, हमारे साथ चलती हैं, हमारे साथ बढ़ती हैं, हमारे साथ पनपती हैं, उनका साथ कभी नहीं छूटता। हम सोचते हैं हम बड़े हो चले, लेकिन हमारा बड़प्पन उन कहानियों से ही तो बड़ा हुआ है, वरना तो हम शायद नटखट बच्चे ही रहते। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगी अब वृंदा, वृंदा जो बताएंगी कि कहानियां और क्या क्या करती हैं। तो चलिए सुनते हैं वृंदा से।
कभी कभी जीवन में ऐसे पल आ जाते हैं जिससे पूरा जीवन ही बदल जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे किस्से और कुछ ऐसी कहानियां जिनसे शुरू होती है हमारी विकास यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो शायद कठिन हो, समस्याओं के साथ हो और शायद कष्टदायक भी हो, पर होता है सुकून से और असीम शांति से। अंत में वहां पहुंचकर हम अपने आप को आज से बेहतर ही पाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनाने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं हमारी पहली कहानीकार से। चेन्नई में कहानी ट्रेन के नाम से अपनी कहानियों की गाड़ी आगे चलाती हुई श्री विद्या एक बेहतरीन कहानीकार हैं। वे अपनी कहानियां टीवी, रेडियो या लाइव शोज के जरिए लोगों को सुनाती हैं। आज वो हम सब के लिए एक बेहद खूबसूरत जेन कहानी लेके आई हैं। ओवर टू श्री विद्या। धन्यवाद वृंदा, धन्यवाद पूनम, धन्यवाद सोनिया और धन्यवाद एरिक मिलर चेन्नई स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल के लिए। नमस्कार, मेरा नाम श्री विद्या वीर राघवन है। प्रेरणादायक कहानियां। अब प्रेरणा तो एक बात हुई, लेकिन हम सब यहाँ उपस्थित हैं, कुछ तो हमें चाहिए। अरे जिंदगी में तो सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। इस कहानी में एक छोटे की बच्चे की चाहत हम देखने वाले हैं। चलिए कहानी के अंदर। कहानी का नाम है एक हाथ की ध्वनि। अरे एक हाथ की आवाज, हाँ जी। चलिए कहानी के अंदर हम चलते हैं जापान के एक गांव में। वहां एक छोटा सा लड़का रहा करता था, नाम था टोयो। छोटी छोटी आंख, दम इतना इतनी सी नाक, कद भी एकदम नाटा सा। कोई नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र 12 साल की है। फिर भी हर सुबह उठता था, नहा धोकर अपने मुलायम बालों को संवारता और हकौरी हकामा पहनता, दौड़ के जाता उस गांव में स्थित बौद्ध मंदिर के ओर। अब मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन अपना जो टोयो था ना, रोज जाता था और मंदिर के इस बार एक छोटा सा केंद्र था। उस केंद्र में एक कमरा था और उस कमरे के अंदर उस बौद्ध मंदिर के मास्टर मुखुराई बैठा करते थे। उस कमरे के अंदर मुखुराई के इर्द गिर्द कई शिष्य भी बैठा करते थे। अब ये छोटा सा टोयो अपने नन्हे नन्हे पांवों से अंदर भागता, लेकिन कमरे के बाहर खड़ा रहता, रोज जाता था, दूर से मुखुराई को देखते रहता था। देखता था कि कैसे मास्टर जी सभी शिष्यों को संजैन, या बोलते हैं मेडिटेशन, एक प्रकार का मेडिटेशन टाइप होता है जैन में, मध्यस्था, तो उसको सिखाते थे। दूर से छोटा छोटा बच्चा ऐसे देखते रहता था। एक दिन उसने चाहा कि वो सीधे जाए अपने मास्टर से बात कर। उस दिन और उत्सुकता से वो भागा, तम कमरे के पास गया और कमरे के एकदम से बाहर टंगी हुई थी एक छोटी सी घंटी। उनके रीति रिवाज में जो भी उस कमरे के अंदर प्रवेश करना चाहता था उसे पहले इस टोंग को बजाना था। बच्चे ने टोंग बजाई, तम सा मधुर ध्वनि, और एकदम द्वार के पास खड़ा हुआ। फिर आदर पूर्वक झुककर तीन बार प्रणाम किया और बाद में अंदर गया। अंदर मुखराई मास्टर जी बैठे थे, किन्हीं शिष्यों से बात कर रहे थे और बस अपने ध्यान अवस्था में फिर से जाकर बैठे थे। अभी इस टाइम ये जो टोयो है ना, जाता है और देखता है कहीं तो बैठे और वो एकदम चिलचिला, बहुत ही फुल एनर्जी में था वो,
ऐसे देख रहा था, सभी एकदम मौन रूप से शांति से अपना ध्यान कर रहे थे, और ये गया देखा मुकुराई के एकदम पास एक थोड़ी जगह थी, वहां जाके बैठ गया। उसके इस हलचल से पास के शिष्य भी थोड़े मुखर गए, उन्होंने इशारा दिखाया। अभी इस वक्त मुखराई का चेहरा भी इस बच्चे की ओर मुड़ा, जैसे उन्हें मालूम था कि ये बच्चा क्यों आया है। मुड़ते हुए उन्होंने पूछा, बच्चे तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? बच्चे ने जोयो ने फौरन से उत्तर दिया, हाँ मास्टर जी, मुझे संजयन सीखना है। क्या तुम बच्चे हो, कुछ वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। नहीं नहीं मास्टर जी, मैं सीख सकता हूँ, मैं ना रोज आता हूँ, मैं दूर से आपको देखता हूँ, मुझे मालूम है कैसे करना है, बस आप मुझे सिखा दो, मैं सीख लूंगा। बच्चे के इस जिद के सामने मास्टर मुखराई को तो मानना ही पड़ा। वे मुस्कुराते हुए टोयो से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें संजयन सीखना है तो तुमको मुझे ये बताना पड़ेगा कि एक हाथ की ध्वनि क्या होती है। एक हाथ की ध्वनि ये तो होती है, नहीं नहीं ये तो दो हाथों की ताली है। मैंने पूछा, एक हाथ की ध्वनि क्या होती है भला? ठीक है, मैं सीख के आ जाऊंगा। और अपना ये जो छोटा बच्चा टोयो था भागा सीधे अपने घर के अंदर, गया अपने कमरे में और बैठा ध्यान मस्ता में, और अपनी आंखें मूंद कर पूरा ध्यान अपने हाथों में चला दे दिया। बस 10 मिनट ऐसे आंखें मूंद कर वो ध्यान कर ही रहा था कि पास में पड़ोस में जापान के घेशा होता है उस जापान के संगीत नृत्य का एक रूप, तो घेशा चल रहा था और उसके कानों में पूरी वो घेशा की मधुर ध्वनि अंदर जा रही थी। उसकी आंखें खुली, अगले दिन दौड़ता है मुखराई के पास, बोलता है, मुझे मालूम हो गया। क्या मालूम हुआ? मुखराई मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने ध्यान अवस्था में चले गए। हाँ, टोयो को तो एकदम से मालूम पड़ गया था कि ये तो गलत जवाब है। ठीक है, फिर से भागता है, पेड़ के नीचे बैठता है, का आंखें मूंद कर ध्यान में जाता है तो उसको मधुर मधुर पक्षियों की आवाज सुनाई देती। अगले दिन दौड़ के आता है कि नहीं, ये तो पक्षी की आवाज हो गई बच्चे, जवाब गलत। फिर से अगले दिन जाता है, पहाड़ के ऊपर बैठता है तो उसको हवा की ध्वनि सुनाई पड़ती है। फिर जाता है दूसरे दिन गुहे के अंदर, वहां मच्छर की संगीत सुनाई देती है। बस एक दो तीन दिन चलते गए, बस बच्चे को तो एक हाथ की ध्वनि बिल्कुल ही नहीं पता चली। रोज आता था मुखराई से यही मुस्कुराहट, मुखराई की वही ध्यान अवस्था, इससे ज्यादा तो मुखराई उसे बात भी नहीं करती थी। टोयो ने हार न मानी। वो बच्चा अभी तक उसने मानो कई ध्वनियों को एकत्रित कर लिया था, एक नहीं दो नहीं करीबन 12 महीने मैंने 1 साल वो ध्यान अवस्था में रोज प्रयास करते गया कि वो रोज रोज मंदिर आना ही भूल गया। कई दिन बीत गए, अभी जो मुखराई थे वो बैठे थे संजयन देते हुए, और बीच में उन्होंने रोका, वो उठे अपने अवस्था से और चल पड़े कमरे के बाहर। मुखराई ज्यादा अपने केंद्र से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन ये तो गए बाहर खोजते हुए उस छोटे से शिष्य को,
ऐसे बाकी शिष्यों ने भी ना देखा था तो वो भी पीछे पीछे आने लगे मुखराई के। ये चलते गए बड़ा सा जंगल था उसको पार किया, उधर पहाड़ आया उसको पार किया, उसमें झरने आए उसको पार किया और चलते गए बहुत दूर तक। देखा टोयो एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा था आंखें मूंद। उसके मुंह में एकदम से शान सी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे से सूर्य की किरणें निकल रही हो और अपने हाथ को एकदम से ऐसे से हिला रहा था जैसे नाच रहा हो हवा के साथ, जैसे हवा की तरह एकदम सा हल्का हो गया हो। उस ध्यान अवस्था में पूरा का पूरा अंदर जा चुका था। उसने पार कर लिया था कई ध्वनियों को पार। आज इस अवस्था में पूरा मग्न सुगंधित सुकुन के अंदर। अभी मास्टर पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। कई देर इंतजार कर अपना ये जो टोयो था छोटा सा बच्चा अपनी छोटी छोटी आंखों को उसने खोला क्योंकि उसको भी कुछ एहसास हो गया था कि पास में कोई बैठा है। देखा वो मास्टर, मास्टर को देखते हुए एकदम शांत स्वभाव से अपने दोनों हाथों को जोड़ वही आदरपूर्ण मौन से तीन बार प्रणाम किया और कहा, मास्टर जी मुझे एक हाथ की ध्वनि मालूम है। अब आप मुझे पूछोगे, अच्छा ये क्या हो गया, वो ध्वनि तो क्या थी? मास्टर मुखराए को तो उसकी जान थी तो वही मुस्कुराए और अपने हाथों को उसके सर पर रखा, उसको आशीर्वाद देते हुए कहा, हाँ बच्चे तुम जान गए, तुम संजयन के लिए बिल्कुल तैयार हो, आओ मेरे शिष्य मेरे साथ आओ। और वे उसे अपने साथ संजयन सिखाने चले गए। अब वो क्या उत्तर हो सकता था जो इस बच्चे को मालूम पड़ गया? जो जो यहां मेडिटेशन करते हैं, जो जो ध्यान अवस्था में जाते हैं, पुस्तकें पढ़े हुए हैं, उनको तो शायद एक तो एक दो आप चैट में आप बता सकते हो वो क्या हो सकता है, वो क्या उत्तर हो सकता है जिसे सुनकर मास्टर उसे अपना शिष्य मान गए। ये हुई सभी ध्वनियों को पार, एकदम से सभी ध्वनियों को पार, मौन से भी ज्यादा पार, ध्वनिहीन ध्वनि की अवस्था में। आपने सुना एक हाथ की आवाज। धन्यवाद। एक हाथ की आवाज, सचमुच हम भी टोयो की दुनिया में ही चले गए और इतना आसान नहीं था एक हाथ की आवाज को पहचानना। इसीलिए कहते हैं कहानियां कब कितनी गहरी बातें कह जाए उसका पता ही नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विद्या, क्या खूबसूरत कहानी सुनाई आपने। तो शुरुआत में इतना अच्छा माहौल बना दिया कि आगे की कहानियां तो और भी रोचक होने वाली हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेके जाती हूँ आज की दूसरी कथावाचक के बारे में कुछ बता दें। हमारी अगली कथावाचक है वृंदा राठी, वही जो मेरे साथ संचालन कर रही हैं, यही वृंदा राठी जो इस वक्त मेरे बगल में खड़ी हैं। हमारी जो ये वृंदा है वो एक क्रिएटिव ट्रेनर है और एक कहानीकार है जो पिछले 23 वर्षों से वृंदा आर्ट्स के अंतर्गत उन्होंने न जाने कितने बच्चों की कल्पना शक्ति को उड़ान दी है और वे कहानियां और क्रिएटिव
ड्राइंग के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को बेहतर दिशा दिखाती हैं और आज हमें भी शायद वो एक दिशा ही दिखाने जा रही हैं, क्योंकि उनकी कहानी है मलूक दास जी की, उनके जीवन की उस घटना से वो हमको रूबरू कराएंगी जिससे उनकी जीवन हमेशा के लिए बदल गया। तो आइए चलिए सुनते हैं मलूक दास जी की कहानी वृंदा की जुबानी। तो वृंदा सुनाइए हमें ये कहानी। किस्से कहानियां घटनाएं घटती हैं हर रोज, बदल जाए दुनिया हमारी जो हम बदले दृष्टिकोण। बहुत वर्ष पहले मलूक चंद नाम के एक सेठ थे जिनका जन्म 1631 में इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर कड़ा नाम के एक संपन्न गांव में हुआ था। मलूक चंद का अपने गांव में बहुत दबदबा था, सब लोग उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे। मलूक चंद के घर के पास ही एक बड़ा सा मंदिर था। मंदिर में नित्य पूजा पाठ भजन दिन में होते रहते थे और मलूक चंद आते जाते मंदिर में कभी झांक लेते थे। एक रात मलूक चंद जब सोने गए तभी मंदिर में से अचानक भजन कीर्तन की आवाज आने लगी। मलूक चंद की नींद में खलल हुआ। रात भर करवट बदलते रहे और सोचते रहे ये भजन कब बंद होगा, मगर भजन था कि बंद होने का नाम ही नहीं लेता रहा। पूरी रात भजन कीर्तन चलता रहा। अब मलूक चंद सेठ जो ठहरे, इस तरह की अशांति उन्हें कदापि बर्दाश्त नहीं होती। अगले दिन सवेरे उठी और चले, आज ही उस पुजारी की खबर लेता हूं। जा पहुंचे पुजारी के पास और कहा, लगता है नए आए हो, ये क्या है, यहां कल रात पूरी रात भजन चलता रहा। जी माफ कीजिए जनाब, कल एकादशी का व्रत जो था इसी कारणवश पूरा समय भजन कीर्तन चलता रहा, बहुत मंगलमय होता है। मंगलमय होता है? अरे कैसा मंगलमय होता है, तुम्हें दिखता नहीं हम लोग रात को सोना चाहते हैं। अगर रात को सोएंगे नहीं तो सुबह किस तरह से उठेंगे, और उठेंगे कमाने जाएंगे, कमा के लाएंगे तभी तो खाएंगे। सेठ जी, खिलाता तो वो है। वो कौन? सेठ जी, ऊपर वाला खिलाता है, हम कहाँ खाते हैं। ऊपर वाला नहीं खिलाता, हम जाते हैं कमा के लाते हैं और तभी खाना खा पाते हैं। माफ कीजिए सेठ, मगर खिलाता तो ऊपर वाला ही है। अरे ये क्या ऊपर वाले की रट लगा बैठी है, ऊपर वाला नहीं मैं खुद कमाता हूं, तभी दो पैसे जमा करता हूं और तभी खाता हूं, समझे। हम तुम्हारा ऊपर वाले का दिया नहीं खाते। खाते तो सब वही का, उसी का दिया हुआ है, हम तो सिर्फ कर्म करते हैं, फल तो ऊपर वाला ही देता है। अरे ये क्या बाबा आदम के जमाने की बातें लगा रखी है, देखो मैं कह देता हूं कि हम तुम्हारे ऊपर वाले का दिया हुआ नहीं खाते। माना माना सेठ जी, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मगर उस ऊपर वाले के हाथ बहुत लंबे हैं, वह चाहे तो आपको यूं खिला सकता है बिना कुछ काम किए। क्या? हाँ मैं नहीं मानता। अच्छा देखो लगी शर्त, अगर तुम्हारा ये ऊपर वाला मुझे 24 घंटे में खाना खिला दे तो मैं मान जाऊंगा, मगर हाँ मैं अपने मुंह में एक निवाला नहीं डालने वाला। और अगर 24 घंटे में तुम्हारा ये ऊपर वाला मुझे नहीं खिला पाया तो तुम यह भजन कीर्तन हमेशा के लिए बंद कर दोगे। शर्त मंजूर है, ऊपर वाला आपको जरूर बड़ा आए मुझे मार के खिलाने वाला। बात मलूक चंद को लग गई और सोचा क्या करें कि वह ऊपर वाला क्या कोई भी उनके आसपास न भटके। घर तो नहीं जा सकते,
नहीं तो घर पे कोई ना कोई जबरदस्ती जरूर खिला देंगे। मलुकचंद ने सोचा क्यों ना जंगल की ओर चला जाए, वहां कौन आएगा उन्हें खिलाने। मलुकचंद चलते 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 जंगल की ओर पहुंच गए। घना जंगल था, चारों तरफ घने पेड़। मलुकचंद ने एक घने पेड़ पे ऊपर चढ़ के बैठ गए और फिर नीचे देखा चारों ओर कटीली झाड़ियां, दूर दूर तक घना जंगल। यहां यहां तो कोई नहीं आ सकता, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। मलुकचंद आराम से बैठ गए। धीरे धीरे सूर्य पहाड़ी के पीछे छुप गया। अंधकार हो चला था। मलुकचंद को तो बस इंतजार था सुबह तक का, और फिर क्या, वह शर्त जीत जाने वाले थे और ये भजन कीर्तन से हमेशा के लिए छुट्टी। तभी दूर से उन्हें घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। वहां कुछ अधिकारी आए और ठीक उसी पेड़ के नीचे उतर गए। चमकदार पोशाकों में उनके पास कुछ झोले थे जिसमें से उन्होंने भोजन निकाला। मलुकदास सब देख रहे थे। भोजन? नहीं नहीं नहीं, मुझे भोजन के बारे में नहीं सोचना है। अधिकारियों ने अपना भोजन निकाला और बहुत अच्छे से परोस दिया। बस वे शुरू करने ही वाले थे तभी वे तुरंत फटाफट घोड़े पे बैठे और वहां से तुरंत चल पड़े। अब मलुकदास के नीचे इतना स्वादिष्ट भोजन और उस भोजन की सुगंध। ये ऊपर वाला चाहता है कि मैं खा लूं, मैं नहीं उतरूंगा और नहीं खाऊंगा। थोड़ी ही देर में दूसरी ओर से डाकुओं का एक दल चला आया और लूट का सामान लेके जैसे ही सरदार ने देखा कि यहाँ पे 56 भोग है। अरे वाह साथियों, देखो भगवान ने तो हमारे लिए 56 भोग रख दिया है जंगल में। चलो सब सामान रख दो, पहले थोड़ा खा लेते हैं। सरदार, मुझे तो ये किसी का षड्यंत्र लगता है। षड्यंत्र कैसा? अरे नहीं तो इतना सारा खाना जंगल में कहां से आता? जरूर कोई ना कोई आसपास छिपा बैठा है, या फिर इस खाने में जहर है। कौन है यहाँ? आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा, सामने आओ। मलुकचंद चुपचाप ऊपर से बैठे सब देख रहे थे। मैं तो नीचे नहीं जाने वाला और ना ही कुछ बोलने वाला हूं। तभी सरदार देखते देखते उसकी दृष्टि ऊपर पड़ी। ए कौन है तू? नीचे उतर। ये खाना तूने रखा है ना, इसमें जहर मिलाया हुआ है। नहीं, ये खाना मैंने नहीं रखा है और इसमें जहर भी नहीं है। ये खाना बहुत अच्छा है, आप खा लो। हाँ बहुत अच्छा खाना है, आप खा लो। बहुत अच्छा खाना है, जरूर तूने इसमें विष मिलाया। नीचे उतर और पहले तू ये खाएगा। मैं तो नीचे उतरने ही नहीं वाला हूँ, और खाना तो मैं कदापि नहीं खाऊंगा। तो क्या तेरा बाप भी खाएगा। यह कहके डाकू ने इशारा किया और डाकू के इशारे पे दो चार डाकू चढ़ गए और मलुकचंद को घसीट के नीचे ले आए। फिर क्या था, उसे कहा चल खाना खा। देखिए मेरा व्रत है, मैं खाना नहीं खा सकता, बहुत बहुत अपशगुन होगा, मेरा व्रत है। व्रत के बच्चे इधर उधर देखा और एक छड़ी उठाई और दे दनादन मलुकचंद की पिटाई शुरू हो गई। मारने लगे
एक डाकू ने मलुकचंद का हाथ पकड़ा, दूसरे ने मलुकचंद का नाक दबाया, और जैसे ही मलुकचंद का मुंह खुला, तीसरे ने मुंह में ठूस दिया। मलुकचंद को आखिर खाना ही पड़ा, और तब तक खाना पड़ा जब तक डाकुओं को यह संतोष नहीं हो गया कि यह भोजन विषैला नहीं है। इस घटना ने मलुकचंद का जीवन बदल दिया। इसके बाद सेठ मलुकचंद संत मलुकदास हो चले। ईश्वर के प्रति भक्ति अथाह हो गई। घर पहुंच के सबसे पहले उन्होंने यह श्लोक लिखा जो आज भी बहुत प्रचलित है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस घटना ने उन्हें झकझोर के रख दिया। संत मलुकदास 108 वर्ष तक जिए। उनके सत्संग से बहुत लोगों को बहुत लाभ हुआ। मलुकदास जी ने अपनी कविताओं व दोहों के माध्यम से समाज को जागरूक बनाने की बहुत कोशिशें की। इसी कारण मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी उनका बहुत सम्मान किया। मलुकदास जी ने अवधी तथा ब्रज भाषा में लगभग 21 रचनाएं की। सच ही कहा है, जीवन में एक ही घटना काफी है बदलाव के लिए, बस अपनी नजरें खुले रखिए, दृष्टिकोण बदलिए, पहचानिए। धन्यवाद। वाह, मैं तो ये कहूंगी कि जीवन में एक कहानी ही बहुत है बदलाव के लिए। वृंदा, उफ, कितनी सरलता से तुमने सेठ मलुकचंद को संत मलुकदास में तब्दील कर दिया हमारी नजरों के सामने इस कहानी के द्वारा। और सच कहूं तो जब तुम उस 56 भोग के बारे में बात कर रही थी, मुझे तो यहीं बैठे बैठे एक एक व्यंजन की खुशबू आ रही थी, और वो घोड़ों की टापें। तो देखिए, सोनिया ने जो बात कही थी कि हम कहानीकार न जाने कैसी कैसी आवाजें निकाल के समाप्त बांध ही देते हैं और हमें पहुंचा देते हैं उस दुनिया में। जैसा कि मुझे ऐसा लगता है आप सभी ने महसूस किया होगा कि वृंदा की कहानी के माध्यम से हम उस जंगल में ही तो थे, उस पेड़ के नीचे हम भी सब हरकतें देख रहे थे, और शायद हम वो पात्र थे जो नजर तो नहीं आ रहे थे, पर हम उस कहानी का ही हिस्सा थे। उसी कहानी में से हम न जाने कितने नगीने निकाल के आज अपने साथ ले जा रहे हैं, और यही काम है एक अच्छी खूबसूरत कहानी का, और उससे भी ज्यादा उस कहानी को पेश करने वाले कहानीकार का। उस पर बहुत काम करके वो हमारे पास उसको एक पत्थर को हीरा बना के परोसते हैं हमारे सामने, हमारे समक्ष। तो थैंक यू सो मच वृंदा, बहुत बहुत शुक्रिया एक सच्ची कहानी सुनाने के लिए। और अब हमारी अगली जो कहानी सुनाने आ रही है उनका नाम है ललिता, और ललिता को बच्चों से बेहद प्यार है और वो कहानियों से बहुत लगाव रखती हैं। उनका मानना है कि कहानियां बच्चों और बड़ों की जिंदगी के एक अहम हिस्सा है। स्पीक थ्रू स्टोरीज के माध्यम से वो बच्चों और बड़ों को अपनी कहानियां सुनाती हैं। और अगर ये कहें कि ये कहानी हिंदी में पहली बार सुनाने जा रही हैं, तो आप लोग कदापि यकीन न करिएगा, क्योंकि मुझे पता है जब आप उसकी कहानी सुनेंगे तो आप भी यकीन न करेंगे। तो चलिए सुनते हैं हिंदी में पहली बार कहानी सुनाने जा रही हमारी अपनी ललिता को। नमस्कार आप सभी को, और मैं पहली बार ही हिंदी में कहानी सुनाने वाली हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया, एरिक मिलर और आप सभी को। तो चलिए कहानी में चलते हैं। बहुत साल पहले एक गांव में एक आदमी रहने को आया था। उसको पता चला कि उस गांव में एक जेन मास्टर रहते थे, तो वो तुरंत वो मास्टर जी के पास गया और पूछने लगा, मास्टर जी अब बताइए ना
इस गांव में कैसे लोग रहते हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या मैं इस गांव में खुश रह सकता हूं। तो उस जेन मास्टर ने उसको देखा और उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे पिछले गांव में लोग कैसे थे? अरे मास्टर जी पूछिए मत, क्या गंदे लोग थे, हमेशा एक दूसरे को ताने मारना, मारपीट करना, लड़ाई करना, बहुत बुरे लोग थे मास्टर जी। तो मास्टर जी बोले, बेटा तुम्हें इस गांव में भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। उसी समय वहां पर एक और आदमी आया, बड़े आदर से उसने मास्टर जी की ओर देखा और उसने कहा, मास्टर जी प्रणाम, मैं इस गांव में एक नया निवासी हूँ और मैं काम के वास्ते इस गांव आया हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस गांव के लोग कैसे हैं? तो फिर से मास्टर जी वही सवाल पूछे, बेटा तुम्हारे पिछले गांव में लोग कैसे थे? मास्टर जी मेरे पिछले गांव में तो बहुत अच्छे लोग थे, बड़े दयालु, मददगार, बड़े हसमुख, अच्छे लोग थे मास्टर जी। तो मास्टर जी ने उनको बताया, बेटा तुम्हें इस गांव में भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। ये सुनकर तो पहला आदमी गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा, अरे मास्टर जी ये क्या, एक ही प्रश्न के दो दो उत्तर, क्या आप सच बोल रहे, सही जवाब दीजिए। मास्टर जी ने मुस्कुराकर बताया, अरे बेटा मैंने तो दोनों को ही सही जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है, पहले आदमी ने पूछा। चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। तो मास्टर जी ने इस कहानी को सुनाया। बहुत साल पहले प्राचीन काल में एक बहुत प्रसिद्ध गुरु रहते थे, बड़े ज्ञानी थे, इसीलिए देश के हर कोने से बालक आते थे उनके आश्रम को पढ़ने के लिए, रहने के लिए, और सभी बालक मास्टर जी के ओर बड़े आदर से पेश आते थे। व्यक्तिगत रूप से हर एक शिष्य बहुत ही अच्छा लड़का था, अच्छे पढ़ता था, मास्टर जी का हर काम करते थे, गुरु जी के हर काम करते थे। लेकिन जब आपस की बात आई तो पूछिए मत, क्योंकि ये सब लड़के देश के अलग अलग प्रांत से आए, तो उनकी वेशभूषा, बोलने का ढंग, दिखने का ढंग, रहन सहन सब अलग अलग था। इसी बात पर ये बच्चे, ये बालक एक दूसरे को हमेशा ताने मारते थे, और जब ताना मारते थे तो फिर क्या, झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, मारपीट होती थी। तो गुरुजी ये सब देखकर बहुत दुखी हुए, वे तो सख्त स्वभाव के ही नहीं थे, इसीलिए बच्चों को बहुत डांट भी नहीं सकते थे, और उनको किसी भी शिष्य को आश्रम से बाहर निकालना ये अच्छा नहीं लगता था। तो वो सोचने लगे, मैं क्या करूं कि ये बच्चे अपने बीच लड़े नहीं, शांति से अच्छे ढंग से रहे। तो वो अपने पाठ बढ़ाए, अपने उपदेश बढ़ाए, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ। फिर एक दिन गुरुजी बहुत ही दुखी हो गए और सोचने लगे, अभी इसका हल तो मुझे भगवान ही देंगे। यह सोचकर वे अपने कुटिया के अंदर चले गए, बंद कर दिए और मौन ध्यान शुरू कर दिए। सभी बच्चे बाहर हैरान हो गए, क्या गुरुजी ऐसे अंदर चले गए, अपने आप को बंद कर दिए, ध्यान में चले गए? तो वो बाहर ठहरने लगे, लेकिन ठहरे, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुए, पूरे एक हफ्ता हुआ, गुरुजी बाहर ही नहीं निकले। बच्चे सब परेशान है कि गुरुजी साफ सुनते बाहर नहीं आए। फिर आठवां दिन गुरुजी बाहर आए, ये बहुत शांत दिख रहे थे, लेकिन सभी बच्चे परेशान होके गुरुजी को घेर लिए और सभी पूछने लगे, गुरुजी क्या हुआ, आप ठीक है? आप तो 7 दिन से अंदर थे, हम लोग बहुत परेशान थे। तो सभी बालक एक समय पूछने लगे। तभी गुरुजी मुस्कुरा के बच्चों को बताए, बच्चों जब मैं मौन ध्यान में था, मुझे एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान जी मुझसे बोले कि वो मेरे साथ इस आश्रम में रहने वाले हैं। क्या भगवान? सभी बच्चे हैरान हो गए, हमारे साथ यहाँ इस आश्रम में कैसे, कब? और एक बालक ने पूछा, गुरुजी हम भगवान को पहचानेंगे कैसे? तभी गुरुजी मुस्कुरा के बताए, अरे बच्चे भगवान मुझे बताए कि वो किसी मेरे एक शिष्य के रूप में आके
इस आश्रम में मेरे साथ रहेंगे, तो बस आज से आप सब मेरे लिए भगवान हो। यह कहकर गुरुजी मुस्कुराकर चले गए, लेकिन बच्चे सभी बालक तो दंग रह गए। वैसे तो वे अपने गुरु की हर बात पर पूरा विश्वास करते थे, तो भगवान आश्रम में रहने वाली बात तो उनको तो हजम ही नहीं हुआ, फिर भी अपने गुरु का तो पूरा विश्वास करते थे ना। अगला ही दिन एक बालक तालाब की ओर आया स्नान करने के लिए। तभी वो दूसरा शिष्य उसको देखा और तैयार ही था उसको छेड़ने के लिए, अरे मो, लेकिन बीच में ही रुक गया और सोचने लगा, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, मैं इसको मोटू नहीं बुलाऊंगा, शायद इसमें भगवान हो, नहीं नहीं मैं उसको छेड़ना ताना नहीं दूंगा। ऐसे ही हर एक शिष्य सोचने लगा, शायद इसमें भगवान हो, मैं उसको लंबू नहीं बुलाऊंगा, मैं उसको छोटू, मैं इसको कालू, मैं इसको गोरू, कुछ भी नहीं बुलाऊंगा। तो सबके मन में ये आ गया कि किसी ना किसी के अंदर भगवान हो। तो धीरे धीरे सभी एक दूसरे को ताने मारना छोड़ दिए, फिर एक दूसरे के साथ बात करने लगे। जब बात करने लगे तो उनको एक दूसरे की अच्छाई दिखने लगी, उनके हुनर दिखने लगे, और धीरे धीरे थोड़े ही महीनों में ये सब बालक बहुत गहरे दोस्त बन गए। इतने गहरे मित्र बन गए तो वो भूल ही गए कि भगवान उनके आश्रम में आके रहने वाले हैं। तो गुरुजी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और उस दिन उनको लगा कि उनके सभी शिष्यों को जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मिली है। वो जेन मास्टर अपनी कहानी यहां पर खत्म किए और पहले आदमी की ओर देखकर पूछे, क्या तुम्हें पता लगा क्या वो महत्वपूर्ण शिष्य क्या शिक्षा क्या है? वो है अच्छी सोच अच्छी प्राप्ति, बुरी सोच बुरी प्राप्ति। यह कहकर जेन मास्टर निकल गए। नमस्ते, धन्यवाद। वाह ललिता, आपने तो आज ये बता ही दिया कि ऊपर वाले गजब तेरी नगरी गजब तेरी माया, जिसने जैसा सोचा उसने वैसा ही पाया। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप आपके वीडियोस ऑन करेंगे तो हमें और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जब हम आपको देख पाएंगे तो हमें और अच्छे से कहानी सुनाने का मजा दुगना हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग सब अपने वीडियोस ऑन करिए, और चलिए अब हम कहानी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हमारी अगली कहानीकार से, जो आपके सामने पहली बार लाइव स्टोरी टेलिंग परफॉर्म करने वाली हैं। वो हैं देवजानी, और देवजानी का मानना है कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन ही नहीं खुशियां भी बांटती हैं। पिछले 2 दशक से देवजानी तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कहानियां सुना रही हैं, और आज जो हमसे वो कहानी सुनाने वाली है वह उनकी एक पर्सनल कहानी है। वह हमें एक पर्सनल कहानी साझा करने वाली है जिसमें हमें बुद्ध की कहानी की भी झलक मिलेगी। चलते हैं देवजानी की ओर। धन्यवाद वृंदा जी। हाँ, ये तो बस मेरी एक कोशिश है कि मैं हिंदी में एक कहानी प्रस्तुत करूं आप सबके सामने। तो जैसे कि हम ऑफरिंग देते हैं ना भगवान के सामने, तो समझिए कुछ ऐसा ही है। ये एक छोटा सा ऑफरिंग है, कहानीकार मैं कहानीकार हूं, तो मेरी ओर से आपके लिए। ऑलराइट, मौका भी है दस्तूर भी, मौका भी है दस्तूर भी, और महफिल सजी हुई है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जब देवजानी कहानी सुनाती है तो पान तो पहले परोसती ही होगी। तो एक पान हो जाए, ले लीजिए, चबा जाइए। जी हाँ, अपनी पान इत्मीनान से आप इंजॉय कीजिए, तब तक मैं अपनी कहानी परोसती। तो बात यह है कि अक्सर हम कथाकारों से ये पूछा जाता है कि भाई
जब आप कहानी चुनते हो, मतलब क्या सोचती हो, क्या सोचकर अपनी कहानी चुनते हो? इतने सारे दुनिया में कहानियां हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि यही कहानी मेरे लिए एकदम परफेक्ट होगा? औरों को तो पता नहीं, मेरा तो मानना बस यही है कि हम कहानियां नहीं चुनते, बल्कि कहानियां खुद हमें चुनती। ये मेरी एक सोच थी कि कहानियां खुद आते हैं, हमें संभालते हैं, सवारते हैं, निखारते हैं, हमारे जख्मों पे धीरे से मलहम लगा जाते। पर उस एक रात थी मेरी इस सोच को विश्वास यानी यकीन में बदल डाला। तो चलिए सुनते हैं उस विश्वास की कहानी देवजानी की जुबानी। साल 2021 महीना लगभग जुलाई। तब तक 2 साल से भी ज्यादा हो चुका था अपने माँ बाबा से मिले हुए, अपने सास ससुर से मिले हुए, अपने घर गए हुए। कारण वो कंबख्त कोरोना। जी हाँ, जिंदगी तो जैसे रुक सी गई थी, सन्नाटा चारों ओर। जाहिर है आप सबको भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ होगा। और तभी हमें लगा कि नंबर अभी कम होने लगे हैं, कोरोना के जो सेकेंड वेव है वो अपने आखिरी पड़ाव पे है, तो क्यों ना हम एक बार घर हो आते हैं। ये सोचते हुए मैं और मेरी बेटी सारे प्रिकॉशंस लेते हुए यूं कलकत्ता यानी अपने घर लैंड किए। अपनी मिट्टी की खुशबू, उसकी बात ही कुछ अलग है। जैसे हम विमान से उतरे, लगा कि एक आजादी की महक हमें चारों ओर से छूम रही है। जस्ट अ सेकेंड, किसी की ऑडियो ऑन है क्या? आई एम गेटिंग अ स्लाइट नॉइज फ्रॉम समवेयर। इज इट, आर यू ऑल गेटिंग? आई एम म्यूटेड। देवजानी, यू कैन गो अहेड, आई हैव म्यूटेड समवेयर। ओके, थैंक यू। हाँ, तो हम कलकत्ता उतरे और बहुत खुश। लेकिन जिंदगी कैसी है पहली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। अगले दिन मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार, ऑफ कोर्स कोविड टेस्ट, रिजल्ट शुक्र है नेगेटिव, पर बुखार वही का वही। फिर से टेस्ट, फिर नेगेटिव, फिर से टेस्ट, फिर नेगेटिव। चार बार टेस्ट करवाए, हर बार बस नेगेटिव ही आए। डॉक्टर ने बताया इतनी बार तो गलत नहीं हो सकता है ना, तो कोविड तो बिल्कुल ही नहीं। चलो ट्रीटमेंट जारी रही। 7 दिन बाद उसके तबीयत में थोड़ी सी सुधार आया। तब तक बस 3 दिन बाकी थे हमारे ट्रिप के। सोचे सास ससुर से मिल लेते हैं, तो हम दोनों उनके घर गए। अरे बाप रे, क्या ग्रैंड स्वागत हुई हमारी। मुझे तो लग रहा था कि मैं नई नवेली दुल्हन हूं। खासकर मेरे ससुर जी, उन्होंने तो हमारे पसंदीदा हर चीज, मतलब पकवान से लेके मिठाई तक सब कुछ प्रबंध किए थे। और खुश मिजाज एटीट्यूड उनके, उनके साथ बातें करते हुए, गप्पे मारते हुए, खाते हुए, पीते हुए समय यूं बीतता गया। और हमारे जो थकान थे ना, वो सब जस्ट वैनिश हो गए। पर जिंदगी कैसी है पहली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए।
गले में किचकिच, बदन दर्द, बुखार। जी हाँ, मुझे कोविड तो नहीं हो सकता, फिर भी टेस्ट करवा ही लेते हैं। हम सभी ने टेस्ट करवाए, सबके सब नेगेटिव सिवाय मेरे। जी हाँ, मैं पॉजिटिव निकली। मैंने तो तुरंत निर्णय ले लिया कि हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाऊंगी, क्योंकि किसी बुजुर्ग को कुछ ना हो जाए मेरी वजह से। पर मेरे ससुर जी डटकर बोले, नहीं तू क्यों हॉस्पिटल जाओगी, डॉक्टर ने तो नहीं बोला हॉस्पिटल जाने को, तुम इधर ही रहोगी, ये तुम्हारा घर है, तुम मेरी दूसरी बेटी हो, तुम इधर ही रहोगी, आइसोलेशन में रहो, हम सब तुम्हारे देखभाल करेंगे। जी हाँ, मैं आइसोलेशन में चली गई और उन्होंने मेरे खूब देखभाल की, बनते बिगड़ते सुधरते आइसोलेशन के दिन खत्म होने आए। पर बाबा यानी मेरी ससुर जी की हालत, उनकी हालत बिगड़ता गया। टेस्ट करवाए, नेगेटिव, लेकिन सीने दर्द, दर्द कम नहीं हो रहे थे। सब मिलके उन्हें हॉस्पिटल ले गए, वहां पे जाके पता चला वो तो पॉजिटिव है, और तो और उनके हार्ट, किडनी, लंग्स तीनों की हालत नाजुक। जाहिर है हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर लिया। यहाँ पे डॉक्टर समय समय पे हमें ब्रीफ करता रहा, पर बाबा वैसे ही खुश खुश मिजाज, पॉजिटिव। उल्टा वो तो हमारे बारे में पूछ रहे थे, अरे तुम सब कैसे हो, मैं तो यहाँ बेड पे लेटा हूं, तुम लोग कैसे हो, सब ठीक ठाक चल रहे ना। फिर 14 अगस्त रात 11:20 फोन की घंटी बजी, नंबर हॉस्पिटल। इतनी रात के हॉस्पिटल से फोन, कप कपाते हुए हाथ से मैंने फोन उठाया। हेलो, दूसरी ओर एक गंभीर आवाज, योर पेशेंट हैज अंडरगॉन अ कार्डियक अरेस्ट। हम लोग CPR दे रहे हैं, पर कुछ भी हो सकता है, तैयार रहिए। मैं अपने कानों को विश्वास नहीं कर पा रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा तो ठीक थे, मतलब हाँ कंडीशन थोड़ी नाजुक थी, बट डॉक्टर तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, और आज ही तो उनसे बातें हुई दोपहर को, ऐसे कैसे वो चले जाएंगे हमें सब छोड़कर। क्या वो कोरोना की वजह से जा रहे हैं, कोरोना तो इधर मैं लाई हूं, मेरी वजह से बाबा जा रहे हैं। हे भगवान, पूरी जिंदगी में इस गिल्ट के साथ कैसे रह पाऊंगी कि मेरे वजह से कोई जा रहे है, स्पेशली वो जो हम लोगों के लिए एक स्ट्रेंथ है, एक पिलर जैसे है। नहीं हो सकता, मैं भगवान को प्रे करती रही, भगवान कुछ करो, बाबा को वापस जिंदा कर दो, कुछ करो, उन्हें जीवन दान दे दो, कुछ करो, ऐसे नहीं हो सकता, बाबा नहीं जा सकते। और तभी तभी दोस्तों, एक कहानी ने मुझे यूं दस्तक दी। जितनी बार उस रात मैंने प्रे किया, उतनी बार वो कहानी शायद कुछ बोलना चाह रही थी मुझसे, मुझे दस्तक देती रही। कहानी ये है, एक बार भगवान बुद्ध ऐसे बैठे हुए थे, एक औरत रोती हुई, भागती हुई, चिल्लाती हुई, दौड़ती हुई आई और उनके चरणों में गिर गई, सर पटक पटक के रोने लगी और बोलने लगी, भगवान मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरे बेटे, आज उसको भी सांप ने काट लिया, वो भी जा रहे हैं, गुजर चुके हैं, आप कुछ भी करो, मेरे बेटे को वापस जिंदा कर दो, जीवन दान दे दो,
मेरे पति तो पहले जा चुके हैं, मेरे बेटे भी चले गए, अब मैं कैसे जी पाऊंगी। अब मेरे बेटे को वापस जिंदा कर दो भगवान, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। भगवान बुद्ध उनके सर पे हाथ रखा और बोला, ऐसे नहीं हो सकता बेटी, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब ना नहीं सुनना, मुझे मेरे बेटा वापस चाहिए। आप भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप मेरे बेटे को वापस कर दो, इसके लिए आपको जो चाहिए आप बोलो, मैं करने को तैयार। भगवान बुद्ध बोले, ठीक है बेटी, जाओ मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों की दाने लेकर आ। एक मुट्ठी? एक मुट्ठी तो क्या, मैं 10 मुट्ठियां लाके दूंगी, मैं यू गई और यू आई। एक मिनट बेटी, वो सरसों के दाने वैसे घर से लाना जहां कोई मृत्यु ना हुई हो। हाँ हाँ, इतने सारे घर है, एक घर तो ऐसा मिल ही जाएगा, मैं बस यू गई और यू आई। ऐसे कहके वो औरत दौड़ती हुई गांव के अंदर गई और दरवाजा नॉक करने लगी, टक 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 टक। एक मुट्ठी सरसों के दाने होंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, रुके, पर आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई है? मृत्यु? हाँ मृत्यु तो हुई है जी, मेरे पिताजी गुजर गए पिछले साल। ओह, तब तो नहीं होगा, दूसरा घर, टक 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 टक। एक मुट्ठी सरसों के दाने होंगे क्या? हाँ हाँ जरूर, पर आपके घर में कोई मृत्यु? मृत्यु? मेरी माँ नहीं रही। ओह नहीं हो सकता, तो दूसरे घर, तीसरे घर, ये घर, वो घर, वो घर। वो औरत सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक पूरे गांव, इवन दूसरे गांव भी ढूंढ लिए। सरसों की दाने दोस्तों बहुत सारे मिले, पर एक ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु ना हुई हो। अंत में थकी हुई वो औरत वापस भगवान बुद्ध के चरणों पे आके गिर गई और बताई, मे भगवान, मुझे एक भी घर नहीं मिला जहां मृत्यु ना हुई हो। भगवान बुद्ध ने फिर से उसके सर पे हाथ रखा और बोला, बेटी यही संसार का अटल सत्य है, मृत्यु। इसलिए जाओ अपनी बेटी की अंतिम क्रियाकर्म करो और जीवन में आगे बढ़ो। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद फिर से फोन की घंटी बजी, बाबा नहीं रहे, हमेशा के लिए हमें छोड़ के दूसरी दुनिया की ओर चल पड़े। पर तब तक ये कहानी हमें चुनी ली थी, कहानी आई मुझे संभाली और मुझ पे ये शक्ति दी कि मैं औरों को संभाल सकूं। जी हाँ, हम कहानियां नहीं चुनते, कहानियां खुद हमें चुनती है। नमस्कार। मैं निशब्द हूं, कितनी सहजता से, कितनी सरलता से आपने अपनी निजी कहानी हमसे साझा की। न जाने कितनी बार आंखें नम हुई, पर गौतम बुद्ध का वो संदेश, उसने पथ हमारा, जिसे कहते हैं ना, रोशनी से भर दिया। मृत्यु ही एक सत्य है, अटूट सत्य, उससे हमारा सब जानते हैं फिर से परिचय करा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया देवजानी, तहे दिल से शुक्रिया। अपनी निजी कहानी साझा करना कोई आसान काम नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबने
एक और शैली सुनी आज कहानियों की, जिसे कहते हैं निजी कहानी। इस कहानी ने खूबसूरती से पिरोया था उसने हमारी अपनी देवजानी ने, गौतम बुद्ध की कहानी। और जैसा उसने कहा, कहानियां हमें चुनती हैं, हम कौन होते हैं कहानियां चुनने वाले, सब कुछ प्रभु इच्छा से ही चलता है। हमारी अगली कहानीकार, वो तो एक हर फन मौला है। प्रतिज्ञा, मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? ये है प्रतिज्ञा। मैंने कहा ये एक हर फन मौला है, क्यों? क्योंकि ये जानते हैं, ये कहानियां भी कहती हैं और ये थिएटर से भी जुड़ी हैं और ये मैराथन भी दौड़ती हैं। जो वो बताती नहीं है, पर मुझे उनकी पोस्ट से पता है कि वो अक्सर दौड़ती हैं और लंबे लंबे 21-35 किलोमीटर की सरलता से मतलब हासिल कर लेती हैं अपना मुकाम। और उसके अलावा वो स्टोरी सैक के नाम से अपनी एक कंपनी चलाती हैं, जिसके जरिए वो ना केवल बच्चों को बल्कि अडल्ट्स को, टीचर्स को, टीनेजर्स को, सभी को कहानियां प्रस्तुत करती हैं और अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी का मन मोह लेती हैं। तो आज वो हमें क्या सुनाकर हमारा मन मोहने वाली है? हाँ, वो आज हमको ये बता रही है कि जिंदगी को आज इसी पल में जीना सीखिए, और यही तो हम आज कर रहे हैं, इसी पल का लुत्फ उठा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। प्रतिज्ञा, आप शुरू करें अपनी कहानी। थैंक यू पूनम। मैं तो 30-32 तक ही दौड़ती हूँ, आप तो 50 तक आराम से दौड़ जाती है। चलो, आपसे सुनकर और भी अच्छा लगा। और एक बड़ा थैंक यू सब ऑडियंस के लिए जिन्होंने हमारी बात सुनी और वीडियोस ऑन किया। जैसे आप जानते हो, वीडियो ऑन देख के हमारे तो जोश अपने आप ही बढ़ जाते। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एक लोक कथा जापान देश की। एक कहानी वाचक रहते थे, वो गली गली गांव गांव जाते और कहानियां सुनाते। बदले में लोग उनको कभी भोजन तो कभी पैसे तो कभी ठहरने के लिए जगह दे देते थे, और ऐसे ही उनका गुजारा होता था। एक दिन शाम ढलने लगी, गुड़ 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 उनके पेट में चूहे दौड़ने लगे और ठंड के मारे उनकी बूढ़ी हड्डियां ठिठुरने लगी। कहानी वाचक ने सोचा, जल्द ही भोजन और रात के लिए एक छत का इंतजाम हो जाए तो अच्छा है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते गए और दूर उनकी नजर पड़ी एक मकान पे। तो बस एक आशा की किरण उनकी आंखों पे छलक गई और वो थोड़ी तेजी से उस मकान की तरफ चलने लगे। पर जैसे ही वो मकान के पास आए, यकायक उनके पैर थम गए। उनको ये आभास हुआ कि अरे, ये तो एक डोजो है। डोजो यानी एक गुरुकुल, जहां जापान के समुराई पढ़ाई करते थे, जो उनको मार्शल आर्ट सिखाया जाता था एक योद्धा बनने के लिए। अब तकलीफ ये थी कि अगर डोजो में किसी को भोजन या रात के लिए गुजारा चाहिए था तो वो ऐसे ही नहीं मिलता था, वो आपको कमाना पड़ता था। कैसे? उस गुरुकुल के, उस डोजो के किसी भी विद्यार्थी को एक द्वंद युद्ध में चुनौती देके और उनको हरा के, पर लकड़ी के तलवार से। उस बूढ़े कहानी वाचक ने सोचा, हाय रे, मेरी बूढ़ी हड्डियों में जीतना तो दूर, द्वंद युद्ध करने की भी ताकत नहीं है। मैं अब करूं तो करूं क्या? बस इसी सोच विचार में उनका चेहरा उदास हो गया और वो चिंतित हो गए कि मैं क्या करूं। पर सोचते सोचते थोड़ी देर में उनके चेहरे पे एक हंसी फूट पड़ी। एक नए विश्वास के साथ उन्होंने कदम बढ़ाए और उस डोजो के दरवाजे को खटखटाया। एक छोटा सा बच्चा, शायद वो विद्यार्थी उसी साल उस डोजो में आया था, उसने दरवाजा खोला और उसने देखा कि भाई एक बूढ़े व्यक्ति खड़े हैं। तो उसने बड़े अदब से पूछा, बताइए दादाजी, आपको क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं?
तो उस दादाजी ने कहा, उस कहानी वाचक ने कहा, बेटा अंदर जाओ और अपने मुख्य गुरुजी यानी जो समुराय हैं उनको जाके कहो कि मैं उनको द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने आया हूं। उस बच्चे की तो हंसी फूट पड़ी। पर जब उसको यह आभास हुआ कि ये दादाजी मजाक नहीं कर रहे, उसने अपने आप को संभाला और फिर कहा, दादाजी क्यों ना आप किसी छोटे बच्चे, मेरे जैसे छोटे बच्चे को द्वंद्व युद्ध में चुनौती दो। उस दादाजी ने इनकार करते हुए सर हिलाया, पर बच्चे ने एक बार फिर कोशिश की, या फिर किसी नौजवान योद्धा को आप चुनौती दे दो। पर जब उस दादाजी ने फिर से कहा कि नहीं बेटा, मुझे आपके डोजो के समुराय को ही द्वंद्व युद्ध में चुनौती देनी है, तो उस छोटे बच्चे ने सोचा, अब अगर इस दादाजी ने तय कर ही लिया है कि उनका आज आखिरी दिन है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। दरअसल बात यह है कि अगर आप समुराय को चुनौती देते हो तो वो लकड़ी के तलवार से नहीं, सचमुच के धारदार तलवार से होता है। और यो घोषणा जीत की किसी एक के मृत्यु के साथ होता है। तो बस सोच लीजिए आप, ये बात आग की तरह पूरे डोजो में फैल गई और देखते ही देखते सारे बच्चे उस सभागार में आके इकट्ठा हो गए। चारों तरफ बड़े से छोटे सारे विद्यार्थी बैठे थे और बीचों बीच वो दादाजी, और दादाजी के सामने वो समुराय जो मुख्य गुरु थे वो आ खड़े हुए। समुराय के हाथ में एक ओबी और एक कटाना था, यानी एक मयान और एक तलवार, वो तैयार खड़े थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने इशारा किया तो एक छोटा बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, उसके हाथ में एक ओबी था, उसने उस दादाजी को वो ओबी दिया। दादाजी ने ओबी की तरफ नजर तक नहीं डाला, वो बस चारों तरफ बच्चों ही को ही देखते रहे और चुपचाप खड़े रहे। वो छोटा बच्चा थोड़ी देर वहां खड़ा रहा, फिर उसकी समझ में नहीं आया, मैं करूं तो करूं क्या, तो उसने उस ओबी को वहीं पे उस दादाजी के पैरों के पास रख दिया जमीन पे और दौड़ा दौड़ा वापस अपनी जगह गया और बैठ गया। अब वो समुराय थोड़ी देर के लिए इंतजार किए कि ये बूढ़े दादाजी वो ओबी उठाए, कटाना निकाले तो द्वंद्व युद्ध शुरू हो। पर जब उनको लगा कि मेरे जो प्रतिद्वंदी है वो ओबी की तरफ उंगली तक नहीं उठा रहे, तो कितनी देर इंतजार करें। समुराय ने अपना कटाना निकाला और जैसे ही पहला वार करने लगे, तब उस दादाजी ने मुंह खोला। एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था। उस गांव में उस घर के पास उसके एक नदी बहती थी। उस बच्चे को उस नदी से बड़ा लगाव था। वो नदी के पास जाके बैठता और उन मछलियों को पानी में उछलते देखता, उस नाव को पानी में तैरते देखता और सारे वेव्स को देखता पानी में, और उसका मन तरंगित हो जाता था। वो घंटों वहां पानी के पास बैठा रहता था और ये नजारे देखता था। एक दिन जब वो वैसे बैठा हुआ था तो अचानक से उसको कुछ आवाज आई। इधर उधर उसने देखा, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये आवाज कैसी। फिर से बच्चे की नजर पानी पे गिरी। पानी से आवाज आ रही है। उसने कान नीचे किया, सर झुकाते हुए सुना तो, अरे ये तो मछलियों के बात करने की आवाज है। ये कैसा चमत्कार है, मुझे उनकी आवाज भी आ रही है और तो और मुझे उनकी भाषा भी समझ में आ रही है। अरे ये तो मजा ही आ गया। उसने बड़े ही ध्यान से कान लगा के पूरी बातें सुनी। शाम को गया और अपने सारे दोस्तों को मछलियों की बातें बताई। उसके दोस्तों को भी बड़ा मजा आया। बस अब से उसका रोज यही दिनचर्या हो गया था। वो सुबह या दोपहर में नदी के पास जाता और वो मछलियों की बातें सुनता और शाम को आके अपने दोस्तों को बताता, हे पता है आज क्या हुआ, आज इतनी सारी छोटी मछलियों ने एक साथ मिलके एक बड़े से मछली को भो करके डरा दिया। आज पता है तुम्हें
क्या हुआ? आज मछलियां बता रही थी कि पानी नदी के उस पार जो है ना वो ज्यादा शीतल है, एक दिन हम सबको वहां जाना चाहिए ना। आज पता है क्या हुआ, वो मछलियां बता रही थी। बस ऐसे ही रोज 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 वो नए नए कहानियां किस्से सुनता उन मछलियों से और अपने दोस्तों को बताता। और बताते बताते अचानक वो समुराई ने घुटने टेक दिए, सर नीचे किया और बोला, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। हश, कहानी वाचक ने एक चैन की सांस ली, लेकिन वहां सभागार में कोलाहल मच गया। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये कैसे हो सकता है, आप कैसे हार मान सकते हो, अभी तो द्वंद्व शुरू तक नहीं हुआ है, देखिए उनका ओबी तो अब तक जमीन पे ही पड़ा है, आप समुराय, आप गुरुजी ऐसे क्यों कह सकते हो, क्यों कह रहे हो, हम नहीं मानते इस बात को, द्वंद्व युद्ध कीजिए फिर हम मानेंगे। उस कहानी वाचक ने बड़े ही इज्जत के साथ उस समुराय को कंधों से खड़ा किया। समुराय ने चारों तरफ नजर डाली और अपने विद्यार्थियों से कहा, जब आप सब लोग पहली बार इस डोजो में आए थे तो तब पहली सीख क्या दी गई थी? एक योद्धा के लिए हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है, उसके वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है। ये बूढ़े कहानी वाचक मुझे दूर किसी बच्चे की दुनिया में ले गए थे, किसी काल्पनिक दुनिया में ले गए थे, वो किसी भी क्षण मुझे मार सकते थे। बच्चों, हमें जो भी साधना है वो हम सिर्फ वर्तमान में ही साध सकते हैं, कल्पना में तो सिर्फ किस्से कहानियां होती हैं। बस इसी तरह उस कहानी वाचक ने अपने लिए भोजन और रात के लिए एक छत की कमाई कर ली थी। धन्यवाद। वाकई आपने हम सबको आज फिर बता दिया कि कहानियां ही हैं जो हमें कभी भी अपने पास में बांध लेती है और पता ही नहीं चलता कब वो मीठी चाशनी में लपेट कर कितनी सारी सीखें हम सबको दे जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतिज्ञा। कहानी की इस माला को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधे पद्मा के पास। पद्मा, जिसे कहानी की दुनिया में लोग पैडी के नाम से जानते हैं, एक कहानीकार के साथ वे एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। वो कहानियां लिखती भी हैं और खुद ही उनके चित्र भी बनाती हैं। आज वो हम सबको तमिल की एक कहानी का रूपांतरण सुनाने जाने वाले। पद्मा, स्टेज इज ऑल योर्स। पद्मा, यू आर ऑन म्यूट। कटी, सॉरी, एम आई ऑडिबल? यस। मिट्टी कर्ज, ये है कहानी का शीर्षक। तमिल के बहुत प्रसिद्ध कहानीकारक है, लेखक है टी जानकी रामन, उन्हीं की कहानी से प्रेरित होकर मैं आपको ये पेश करने जा रही हूँ। साल होगा 1952 करीबन और जगह थी लखनऊ के पास एक छोटा सा गांव अनोरा गांव। तो ऐसा हुआ कि उस गांव में रहते थे मिश्रा जी। मिश्रा जी उस गांव के जाने माने व्यक्ति थे, पढ़े लिखे तजुर्बेदार थे, लेकिन अब एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। पूछिए क्यों? हुआ यूं कि उन्होंने उसी गांव में रहने वाला एक दलाल, जो कि लैंड ब्रोकर, उसकी बातों में आकर, रामलाल की बातों में आकर, 3 बीघा जमीन लेने के चक्कर में अपना खुद का आलीशान घर, जहरे अपनी वाइफ के सारे गहने, पैसे, जेवरात, सब कुछ बेच डाले उन्होंने। तो ऐसा हुआ कि बड़े मुश्किलों से गुजरना पड़ा उनको, किश्तों में देना पड़ा पैसा उनको, और आखिरी किश्त
ली जब रामलाल ने, वो तो बस ये बोलता गया कि बस रजिस्ट्रेशन की देरी है, मैं जमीन के मालिक को लेते आऊंगा, बस हो जाएगा काम। उसके बाद तो अब 2.5 महीने गुजर चुके हैं, रामलाल का तो कोई अता पता नहीं है, वो तो लापता है। तो आप पूछेंगे कि इतने पढ़े लिखे तजुर्बेदार आदमी कैसे किसी के बातों में आ सकता है, हैं? अरे रामलाल की चाल में हम सबको अपना सर झुकाना ही पड़ेगा, इतना चालाक था। देखे ना, सबसे पहले उसने क्या करा, उसने एक बहुत अच्छी खेत, हरी भरी खेत के बारे में मिश्रा जी को बताया, लालच दिलवाया। फिर उसने कह दिया कि जनाब ये मकान, ये जो जमीन के जो मालिक है ना, लखनऊ वाले हैं, लखनऊ से अभी बाहर देश चले जाएंगे, विदेश जाने के बाद तो उनको पूछता नहीं जमीन से क्या लेना देना है, तो वो तो बस जल्दी में है, बीत जाए बस। मैंने तो उनसे किसी तरह से 30,000 में बात निपटा लिया है। और सुनिए मिश्रा जी, बात बाहर कहीं ना पहुंचे, अगर किसी को पता चल गया कि इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन आपको 30,000 में मिल रही है, तो बस बात बनते बनते रह जाएगी। बार बार उसने वही बात दोहराया। और तो और उसने तो बस मिश्रा जी को ले जाके दिखाया भी तो था बगल वाले गांव में जमीन को, क्या जमीने देखिए, और बोल दिया था उसने पट्टे पे दे रखा है, हाँ एकदम बढ़िया जमीन। इसको देखने के बाद तो मिश्रा जी अगले ही दिन गए बैंक में, सारे पैसे निकाले, 5,000 रुपये मिले उनको, और पहला किश्त जो है उन्होंने भर दिया, रामलाल के हाथ पकड़ा दिया। बस 2 ही दिनों के अंदर उनको पावती की चिट्ठी आ गई, बहुत सारी चिट्ठियां भी आई उनको जमीन के मालिक से, पूछे कैसे, अरे ये सब तो रामलाल का ही तो करतूत था, हर चिट्ठी में बस यही कुछ लिखा रहता था कि पहला किश्त मिल चुका है, अगली किश्त का इंतजाम करिए, तब तक मैं कागजात का तैयारी करता हूँ, या तो फिर मैं रजिस्ट्रार से मिलने जा रहा हूँ, सब तैयारियां चल रही है। बस गौर करके देखिए, किसी भी चिट्ठी में रामलाल का नाम का कहीं जिक्र नहीं था, कहीं तारीख लिखा नहीं था, कहीं पैसों का जिक्र नहीं था। तो आप पूछेंगे हैं कि क्या मिश्रा जी इतने पढ़े लिखे आदमी को कहीं शक ही नहीं हुआ? अरे पहला किश्त जब उन्होंने भरा ना 5,000, उसको पाने के बाद हर महीने ये जो रामलाल था पहुंच जाता था मिश्रा जी के घर, क्यों पूछिए, ले जाता था गाय के लिए भूसा, फसल, अनाज और तरकारी। कहता था अरे जनाब आप ही के खेत से आया है, आपका तो हक बनता है, बस रजिस्ट्री की तो देरी है। तो विश्वास क्यों नहीं होता, खुश क्यों नहीं होते? हालांकि बेचारे को, मिश्रा जी को बाद में पता चला कि वो जो देख आए ना, ये जो जमीन, वो बिकाऊ था ही नहीं, वो तो सरकारी जमीन था। बड़े मुश्किल से उन किश्तों किश्तों में सारे पैसे भर दिए थे। अफसोस तो बस मिश्रा जी को बस एक ही बात की रही कि ना, जो उन्होंने अपने पुश्तैनी घर बेचा था उसमें उनके छोटे भाई का भी हक था, तो उनकी लापरवाही के कारण उनके छोटे भाई को अपने हक से हाथ धोना पड़ा। मिश्रा जी अपने आप को माफ कर ही नहीं पा रहे थे। खैर अब तो 2.5 महीने गुजर चुके थे, बात हाथ से निकल चुकी थी, बिरादरी से कितने दिन तक मुंह छुपाते, बात को छुपाते रहेंगे? तो बस गए वो पुलिस स्टेशन और दर्ज करवा दी रिपोर्ट। एक ही दिन में पूरे गांव में सबको पता चल गया कि कांड हुआ है इनके यहाँ। तो फिर गांव वाले आने लगे मिश्रा जी से मिलने, हमदर्दी जताने। कोई तो कहता अरे क्या हाल बना दिया है उसने आपके परिवार का, कहां से कहां पहुंचा दिया है, रामलाल का तो फांसी में चला देना चाहिए उसको। कोई और कहता अरे वो तो आप ही के पैसों को लेकर इतना मौज मस्ती करता था, है सिनेमे ड्रामा और फिर सैर सपाटे। ये सब सुनकर ना मिश्रा जी का दिल बैठ जाता था, बहुत दुखी हो जाते थे पहले पहले, फिर पता नहीं कुछ दिनों के बाद वो तो कहने लगे इन सब बातों,
अरे रहने दीजिए ना, अब मेरे पैसे किसी के तो काम आए। बस एक महीने के अंदर पुलिस वालों ने कहीं से रामलाल का पता लगा लिया, उसको पकड़ लिए, उसको लेके आए थे पुलिस थाने और पूछताछ किया। लेकिन रामलाल उन गलने वाले दालों में से नहीं था। मार पीट खाकर भी उसके मुंह से कोई सच नहीं उगलवा सका। वो तो बस अड़ा रहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। फिर क्या, मामला गया कोर्ट में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में। रामलाल तो बस कुछ ही दिनों में उसने बेल ले लिया, बेल में बाहर घूमने लग गया। वो खिसकते गया मामला, महीने बीत गए, पूरा एक साल बीत चुका था कोर्ट कचहरी के चक्कर में। मिश्रा जी तो बस, उनका तो हाल खराब था। फिर अचानक एक दिन मिश्रा जी को कहीं से खबर मिली कि रामलाल की हालत या तो फिर तबीयत बहुत खराब है, कुछ हफ्तों से बस पड़ा हुआ है, शायद वो बच नहीं पाएगा। इसे सुनते ही साथ मिश्रा जी चल पड़े रामलाल के घर। वहां उनको पाकर रामलाल की बीवी तो बस हैरान हो गई। मिश्रा जी सीधे गए अंदर और उन्होंने क्या पाया कि बिस्तर में लेटा हुआ कमजोर रामलाल। फिर उन्होंने कहा, रामलाल मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। अरे देखो, कोर्ट कचहरी की चक्कर तो होती रहेगी और मुझे तो जीतने की कोई उम्मीद तो ना रही है। क्या चालाकी से तुमने चाल चली है, एक भी सबूत तो तुमने नहीं छोड़ा। और अगर मैं जीत भी गया तो क्या तुम पैसे दे पाओगे? मुझे तो मालूम है कि तुमको डॉक्टर को देने तक के पैसे नहीं बचे। अरे रामलाल, तुम्हारा और मेरा हाल एक जैसा है। अब पैसे ना तो तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। चलो छोड़ो उन सब बातों को। तब तक रामलाल की बीवी तो बोल ही पड़ी, हमारे ही कर्म के फल भुगत रहे हैं हम। लेकिन रामलाल अब तक चेहरा उठाकर आंख मिला ना पाया मिश्रा जी से। वो बस ऐसे ही झुका झुका पड़ा रहा। तो फिर बोल उठे मिश्रा जी, रामलाल तुम्हें पता है ना, हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि जो आदमी कर्जदार मरा वो कहीं सुख न पावेगा, अगले जन्म में भी वो कर्जदार ही पैदा होगा। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इस कर्ज से छुटकारा दे दूंगा। सुनो मेरी बात रामलाल, एक ही चीज मैं मांगता हूं तुमसे, तुम्हारे घर में पैसे जितने भी हो, चाहे 5 रुपये हो चाहे 1 भी रुपया हो, तुम ले आओ और मुझे सोमते हुए कहना कि कर्ज लौटा रहा हूं, मैं ले लूंगा और कर्ज तुम्हारी मिट जाएगी। जैसे ही रामलाल ने ये सुना, उसकी तो बस वो तो चौंकता हुआ रह गया, आंखें भर आई उसकी, सांसें फूलने लगे। उसको लगा कि मौत बहुत करीब आ चुका है बस। और मिश्रा जी जो कि जवाब का इंतजार में बैठे थे, फिर से उन्होंने दोहराया, अरे रामलाल भैया मैं तो सच कह रहा हूं, तुम जो दोगे मैं स्वीकार लूंगा। बस रामलाल की पत्नी तो फूट फूट कर रोने लगी। यहां वहां ढूंढने के बाद घर में 2 आने के 1 सिक्का मिला उसको। उसने उस सिक्के को रामलाल की बेजान हाथ में रखा और उस हाथ को उसने मिश्रा जी की तरफ बढ़ाया। मिश्रा जी ने उस हाथ से 2 आने के सिक्के को लिया, उठाया और बोले, तुम्हारी सारी कर्ज मिट चुकी है, इसे मैं अपने भगवान की कसम खाकर कहता हूं। बस उसके बाद उठे और चल पड़े। उनके चेहरे में तो एक मुस्कान था, चैन की लहर दौड़ रही थी। बस कहानी तो यही खत्म होती है, लेकिन
मेरा आप सबसे देवी और सचिन यही सवाल है कि क्या मिश्रा जी की जगह मैं या आप होते तो रामलाल की तरह अगर किसी ने हम लोगों को इतनी बुरी तरह से ठगा होता तो क्या हम उन्हें माफ करके क्षमा देके चले जाते? सोचने वाली बात है ना, इसी से विदा लेती हूँ, धन्यवाद। वाह पद्मा, आपने वाकई हमें सोचने पे मजबूर किया है कि क्या हम किसी को माफ करते हैं तो हमें हमें शांति मिलती है या उसे। बिल्कुल सोचने वाली बात है। बहुत ही ज्यादा मर्मस्पर्शी थी आपकी कहानी और आपने इतने सुंदर वॉइस मॉड्यूलेशन से हम लोगों को एक कहानी सुनाई, बहुत 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 मजा आया। थैंक यू पद्मा। हमारी इस कहानी की माला में अब एक आखिरी मोती रहा है, मगर वह आखिरी मोती बड़ा कीमती है। चलते हैं पूनम जोशी के पास। पूनम जोशी एक भावुक कहानीकार हैं। वे कहानियां सुनाती हैं, कहानियां रंगती हैं, कहानियां बुनती हैं और कभी कभी तो खुद को चुनौती देकर 53 इयर्स की उम्र में आयरन मैन ट्रायथलॉन पूरा करके खुद ही कहानी बन जाती हैं। आज पूनम हम सबके लिए एक यहूदी कहानी का हिंदी रूपांतरण कर रही हैं। तो चलिए पूनम के पास। बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा मेरा परिचय कराने के लिए। तो कहानियों का सिलसिला तो बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है और इसमें अब एक मोती मैं भी पिरोना चाहूंगी। शुरू करते हैं कहानी बहुत 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 पुरानी, जब प्रभु ने धरा रची थी। तो चलिए, जब प्रभु ने सजाई थी ये सृष्टि, कुछ तो उसकी भी थी दिव्य दृष्टि। उसने जन्नत सी खूबसूरत एक दुनिया सजाई और फिर उसमें फूल पौधे पक्षी और जानवर डाल और सुंदर बनाई। फिर वो रुका, कुछ थमा, उसे कुछ कमी नजर आई। उसने धरा से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, एक मूरत बनाई और फिर उस मूरत में फूंके प्राण और इस तरह बनी पहली मूरत आदम की, पहला आदमी। फिर उसने बोला, ए मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति, ये धरती मैंने तेरे लिए है रची, अब तू जा इसमें जी, हर एक फल फूल पक्षी जानवर को नाम दे और आराम से रहे। इंसान ने आदम ने वही किया, उसने हर एक को नाम दिया, पर ऐसा करने में उसको कुछ अधूरापन महसूस हुआ। हर नर की एक संगनी थी, एक मादा, फिर वो उसका अपना अस्तित्व क्यों रह गया आधा? उसने प्रभु को एक गुहार लगाई और अपनी सारी व्यथा सुनाई। प्रभु ठहरे, मुस्कुराए, उसी की पसली में से एक पसलिया ली और अपने हाथ पे रख और फिर से एक मूरत गढ़ी और ऐसे जन्म लिया हव्वा ने। फिर प्रभु बोले कि जाओ, अब तुम दोनों संग जियो इस धरती पे, ये धरा तुम्हारी है, ये बगिया तुम्हारी है। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, उस पेड़ का फल कभी मत चखना। जब तक ये याद रखोगे, धरती को जन्नत कहोगे, धरती को जन्नत कहोगे। ऐसा कहे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब दोनों निर्दोष, निर्पाप, निर्डर उस धरा पे रहने लगे। वो उपवन था ही बहुत सुंदर, सब कुछ था वहां, सुख चैन सुकून प्रेम सब कुछ। पर इंसानी फितरत देखिए, उसने दिखाया कमाल, रह रहकर उसी पेड़ के फल पर जा रहा था हव्वा का ख्याल, और कर बैठे वो एक भारी भरकम गलती, और उस गलती का खामियाजा हम आज तक उठा रहे हैं। वही जन्नत दर बदर ढूंढ रहे हैं और पता नहीं पा भी रहे हैं।
प्रभु ने आकर उन्हें उस दुनिया से बाहर निकाला, उस उपवन से बाहर निकाला, और फिर सुख के साथ उनकी झोली में कुछ दुख भी बांटे। गर्मी के साथ दी सर्दी, पतझड़, बरसात, सब कुछ दे। उन्हें कहा, अब जब तक जीते रहोगे उस स्वर्ग की तलाश करोगे। और मेरी कहानी वहीं से शुरू होती है। हाँ, वही जिसका खामियाजा हम आज तक भर रहे हैं, दर बदर जन्नत की तलाश में घूम रहे हैं। एक आदमी था, बेहद अच्छा आदमी, पर एक परेशानी थी। वो खुश नहीं रह पाता था, उसको अपनी दुनिया अच्छी ही नहीं लगती थी। करता भी क्या, वही जीवन, सुबह उठकर काम पे जाओ, शाम को आकर घर में वही पत्नी का मुंह देखो जो हमेशा नाराज रहती थी, ना अच्छा खाना बनाती थी, ना ही घर को सुसज्जित व्यवस्थित रखती थी, और बच्चे वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे, और उसके अपने व्यवसाय के लोग वो तो उससे देखना तक नहीं चाहते थे। क्या था इस धरती पर, जो वो खुश रहता वो तो बस स्वर्ग स्वर्ग ढूंढता था। पर रह रह कर उसका ख्याल अपनी माँ की उस बात पे जाता था जो कहती थी, इस धरती पर भी एक स्वर्ग है पर हर किसी को नहीं मिलता, कोई विरला ही जा पाता है वहां, क्योंकि उसका रास्ता जो कोई नहीं जानता। वो चाहता था कि कहीं से उसे उस स्वर्ग का रास्ता मिल जाए और वो उस जन्नत में जाके एक नई दुनिया बसाए। और एक दिन वो सो रहा था, सुबह तड़के तड़के उसके कानों में एक आवाज आई, आओ तुम्हें जन्नत का रास्ता बताएं, प्यार भरी दुनिया में ले जाएं, जन्नत का रास्ता बताएं, आओ नई दुनिया बसाएं, हो आओ तुम्हें जन्नत को ले जाएं। वो उठा, चारों तरफ देखा, अब क्या था, वो तो दौड़ा उस आवाज के पीछे, दौड़ता ही गया और पहुंचा गांव के चौपाल में। बीचो बीच एक बुढ़िया बैठ आंखें बंद कर मग्न होके ये गीत गा रही थी। वो वही उसके पांव के पास बैठ गया, इंतजार करने लगा कि माँ आंख खोले, और ज्यों ही उसने आंख खोली उसके पांव पे पड़ गया और रोने लगा, माँ मुझे जन्नत का रास्ता बता दो। माँ मुस्कुराई, अरे पगले, मैं तेरी ही तो आवाज सुनकर आई हूँ, मुझे तेरे मन की सारी इच्छाएं पता हैं, और मुझे पता है तू स्वर्ग जाना चाहता है। हाँ माँ मुझे रास्ता बता दो। तो सुन, स्वर्ग तो तू चला जाएगा, पर याद रखना लौट के इस दुनिया में कभी नहीं आ सकता। ऐसा कभी नहीं होता कि जो उस स्वर्ग जाए वो लौट के इस दुनिया में आए। पीछे मुड़कर कभी मत देखना, मंजूर है तुझे? हाँ माँ मुझे सब मंजूर है, बस एक बार मुझे रास्ता बता दो। तो सुन, उस दिशा में जा, दो दिन लंबा है रास्ता, दूसरे दिन शाम को तू पहुंच जाएगा, दिशा मत छोड़ना, उसी दिशा में जाना, और हाँ कभी पीछे पलट कर मत देखना, ये नियम है। हाँ माँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अब क्या था, खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दौड़ा, वो भागा अपने घर की ओर, और उस दिन वो दिन तो जैसे व्यतीत ही नहीं हो रहा था। इतना परेशान हो रहा था कि कब हो रहा और कब मैं स्वर्ग की ओर बढ़ू। रात काटी किसी तरह से, करवटे बदल बदल, और सुबह एक छोटा सा झोला चंद सामान ले बढ़ चला उसी दिशा में। वो चलता गया चलता गया, उसने पहाड़ टापे, रेगिस्तान, समुद्र, नदियां सब पार कर वो चलता ही गया चलता ही गया। दूर दूर क्षितिज पर सूर्य ढलने लगा था, लालिमा थी, पर दूर से उसे दिख रहा था कि अब रात ढलने को है। सोचा क्यों ना सुस्ता लूं, कल सुबह फिर चलना होगा। चारों तरफ देखा तो केवल रेगिस्तान था, रेत ही रेत, कोई न जानवर, न कोई राहगीर, कोई नहीं था। एक पेड़ नजर आया, सोचा क्यों ना उसी पे जाके उसी के नीचे लेटा जाए। ये विचार बना, पेड़ के पास पहुंचा, अभी बैठा ही था
कि विचार कौन था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल जाऊं, चारों तरफ कोई है भी नहीं, कोई राहगीर भी नहीं जो मुझे रास्ता दिखा दे। उठा अपने दोनों जूतों का रुख उस दिशा की ओर कर चैन से सो गया। अब उस रात में जाने क्या हुआ, जादू था, कोई चुड़ैल थी कि कोई जादूगर था, कोई जानवर था, कोई पखेरू था, न जाने कौन था, किसी ने उसके जूतों का रुख वापस कर दिया उसी दिशा में जहां से वो आ रहा था। सुबह उठा, मन में एक ऐसी उमंग थी कि मानो स्वर्ग बस यही है। उठा, अपने जूते पहना और उसी रुख पे चल पड़ा। चलता गया, क्या पहाड़, क्या नदियां, क्या रेगिस्तान, क्या समुद्र, सब पार करता गया। न उसे भूख लगी न प्यास, मंजिल जो इतनी पास थी। दूर उसने देखा, अरे रात होने की और वहां पे इतनी सारी चकमगाहट, यही स्वर्ग होगा। और ये सोच उसने अपनी लंबी सांस ली और आंखें भर ली उस सुंदर नजारे से और दौड़ा उस गांव की ओर। जैसे ही वो पहुंचा स्वर्ग में तो क्या देखता है, वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और सुकून, और लोग, हर कोई मुस्कुरा रहा था। बच्चे इतने खुश मिजाज कि आते जाते हर किसी को आदाब नमस्कार कह रहे थे, और औरतें भी थकी नहीं नजर आ रही थी, हर कोई खुश था, फूल थे कि इतने रंगीन, और पक्षियों का स्वर तो इतना मीठा। अरे स्वर्ग तो कितना सुंदर है, उसने सोचा। चारों तरफ देखा, थोड़ी देर बैठा, उसे लगा कुछ देखी देखी सी दुनिया है, पर कहां, ये तो स्वर्ग था, कहां देखा था उसने पहले ये स्वर्ग। उसे कुछ भूख सी लगाई, स्वर्ग में भी भूख लगती है क्या, स्वर्ग में भोजन भी मिलता होगा। फिर उठा और अनायास ही उसके कदम एक गली की ओर बढ़ गए। वो गली कुछ देखी देखी सी थी, शायद ये मेरे घर जैसी गली दिखती है। वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि एक दरवाजा खुला और उसमें से एक औरत निकली, उसको बुलाई और बोली, अरे कहाँ थे तुम दो दिन से, कहाँ चले जाते हो बिना बताए, चलो आओ भोजन कर लो, कितने थके हुए लग रहे हो। कितनी अच्छी महिला है, मुझे प्रेम से भोजन परोस रही है। और जब उसने थाली रखी, जीवन में पहली बार उसने इतना स्वादिष्ट भोजन खाया था, हर एक निवाला ऐसे कि मुंह में घुल सा जा रहा था। और वो औरत कितनी सभ्य थी और घर कितना सुसज्जित, पर उसके घर जैसा लगता था, पर कहां हो सकता है पगले, ये स्वर्ग था। उसने अपने आप को समझाया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो स्वर्ग है मेरा घर, और ऐसा कदापि नहीं। अभी सोच ही रहा था कि वो औरत आई और मुस्कुराई, किन ख्यालों में हो, अब सोगे भी कि नहीं, अरे नहीं तुम्हारे हाथ का भोजन तो इतना अच्छा था, अरे छोड़ो आज तारीफें ही करते रहोगे क्या, मैं तो चली अपने बच्चों के साथ सोने, जाओ तुम अपने कमरे में सो जाओ। वाह मेरा कमरा, स्वर्ग में मेरा कमरा भी है। उसे लगा कि अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो उधर एक कमरा है, शायद वो मेरे जैसा ही हो। ये सोच वो ऊपर चढ़ा, जाके कमरा देखा तो वाह क्या खुशबू आ रही थी, जैसे किसी ने अगरबत्ती जलाई हो। बिस्तर में बैठा तो मुलायम और चादर ओढ़ी तो जैसे रेशम, वाह क्या घर है। उसको ख्याल आया, हे प्रभु तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें शुक्रिया लाख लाख बार, तुमने सोचा मैं नए स्वर्ग में आकर कहीं पर गुम हो जाऊं, मुझे घर ना मिले, रास्ता ना मिले, तो तुमने स्वर्ग मेरे जैसा ही बनाया, मेरे गांव जैसा। मारे मेरे प्रभु लाख लाख शुक्रिया, ये कहकर उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। और जब आंख खुली तो चाय की भीनी भीनी इलायची वाली खुशबू से वो नीचे उतरा तो टेबल पर सामने उसके लिए चाय नाश्ता रखा था। मस्त चाय नाश्ता खाया कि वो औरत आई दो बच्चे लेकर और बोली, अरे आज चाय ही पीते रहोगे या काम पे भी जाओगे, ये लो अपने औजार, और हाँ बच्चों को भी विद्यालय छोड़ देना। स्वर्ग में भी काम करना पड़ता है क्या, चलो देखते हैं। और वो बच्चे आके उसको लिपट गए बाबा बाबा कहकर, कितने प्यारे बच्चे हैं, उसने मन में सोचा। और उन्हें जाते वक्त उसने विद्यालय में छोड़ दिया। आज काम की जगह में उसका मन भी खूब लगा, सारे आसपास के काम करने वाले उससे
मीठी बातें कर रहे थे, हंस हंस के बात कर रहे थे, और उसका काम उफ क्या बेहतरीन काम किया उसने कि उसका मालिक उसकी तारीफ करते न थकता था। वापसी में वो गांव की ओर बढ़ा तो चौपाल में बैठा सारे गांव वाले उसके मित्र जो थे वो बैठा बातें करी और स्वर्ग में उसके दिन बेहद खूबसूरत कटने लगे। और अब धीरे धीरे वो औरत, कोई स्वर्ग वाली औरत उसकी पत्नी बन गई, वो दो बच्चे उसके अपने बच्चे बन गए, ये गांव, ये समुदाय उसका अपना बन गया और वो खुशहाली से जीने लगा। कई बार लोगों ने उसे समझाया, अरे बुद्धू ये वही दुनिया है, तेरा गांव, ये कोई स्वर्ग नहीं है। पर क्या वो माना? जीते जी वो कभी ना माना कि ये स्वर्ग नहीं है। और उस दिन से वो खुशी खुशी अपने स्वर्ग में जीने लगा। और मैं आज अपने जूतों का रुख बदलने वाली हूँ, आपका क्या विचार है? शुक्रिया। वाह पूनम, सिर्फ आप ही नहीं, मुझे यकीन है आज हम सब अपने जूतों का रुख बदलने वाले हैं। और आपने सही कहा कि स्वर्ग है तो यही है और यही है। आपकी कहानी सुन के मुझे मेरे बचपन की एक प्रार्थना याद आ गई जो हम स्कूल में गाते थे, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। वाह, थैंक यू सो मच पूनम, इतनी प्यारी कहानी हम सबके साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है आज इन कहानियों ने आपके दिल पर दस्तक जरूर दी होगी, आपको सोचने पर विवश किया होगा या आपकी बीती हुई घटना की याद दिलाई होगी। दिलाई थी या नहीं? अगर आप हम सबसे कुछ साझा करना चाहते हैं, कुछ कहना, कुछ सुनना चाहते हैं तो बेझिझक होके कहिए, हम सब आपको सुनने को उत्सुक हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपना नाम चैट पे टाइप करिए ताकि हम आपको अनम्यूट कर सके, या आप हाथ उठा के भी कह सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कहना है, कुछ सुनना है, कुछ प्रश्न है, कुछ उत्तर है, या अपने मन की कुछ बात हम सबकी के साथ शेयर करनी है तो हम सब आपको सुनने के लिए उतावले हैं। सबसे पहले तो जी शिल्पा। नमस्कार, मैं शिल्पा मेहता, और आज आप सबकी कहानियां सुनी, एक से एक बेहतरीन कहानियां, चाहे वो पहले सुनी भी हुई हूँ, लेकिन सबका एक इतना यूनिक स्टाइल था और हर एक स्टोरी ने एक बहुत ही लाइफ का एक यूज एक मैसेज दिया, लाइफ का एक हमारा नजरिया जो है वो बहुत ही बदल दिया। जैसे खास तौर से अभी जो पूनम जी की कहानी थी, बिल्कुल ये सिर्फ एक हमारी सोच है जिससे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बहुत ही 2 घंटे एकदम मजा आ गया। हर कहानी, हर एक टेलर बहुत ही अच्छी कहानियां थी, चाहे वो देवानी जी की उनकी पर्सनल स्टोरी हो, चाहे वृंदा जी आपकी कहानी हो, चाहे पूनम जी की हो, चाहे ललिता की हो, बहुत ही अच्छी शाम गुजरी। और आप सबका बहुत शिल्पा जी, आपकी आवाज एकदम बंद हो गई। थैंक यू शिल्पा जी, और हम लोगों को सबसे ज्यादा मजा आया क्योंकि आप जैसे ऑडियंस जो यहाँ बैठी हुई थी, जिन्होंने हम सबको इतना सराहा, क्योंकि एक कहानीकार बिना ऑडियंस के कुछ भी नहीं है। और कोई हमसे कुछ बात साझा करना चाहेगा? श्री करुणा। कथाकार कथाकारों को सराहूं, I mean, excuse me for my mistakes in Hindi, कथाकारों को सराहूं या बिल्कुल कथाकारों की तारीफ करूं, उनकी कहने की शैली को तारीफ करूं या कहानियां चुनने की क्षमता को तारीफ करूं कि समझ में नहीं आ रहा। ये शाम इतनी सुंदरता से गुजरी है, हर एक कहानी अद्भुत से भी ऊपर था, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट्स हैं। वो एक पूनम जी की ये कहानी मैं बार बार सुन सकती हूँ और हमेशा हमेशा जब भी सुनती हूँ तो लगता है हम जन्नत में ही है। हम अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार से रहेंगे, वही जन्नत है। और कितनी सुंदर सा
सुंदरता से देव ने अपनी पर्सनल स्टोरी को पर्सनल कहानी को बुद्धिज्म की जेन टेल के साथ सम्मिलित किया। आंखें नम हुई, फिर चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई कि यही जिंदगी की रीत है, हार के बाद ही जीत है। और उसका गाना जिंदगी, दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड ऑल टाइम फेवरेट। मैं ऐसे बोलती रहूंगी कि सबका है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ श्री विद्यास एक्सप्रेशंस ऑलवेज टू, एंड या ऑल द स्टोरीज वर अमेजिंग, एवरी स्टाइल वाज डिफरेंट। आई हैड टू कम बैक टू इंग्लिश टू एक्सप्रेस। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू श्री कर्णा, थैंक यू सो मच। नितिन बैरागी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट करिए। बहुत ही पावरफुल स्टोरीज थी और सभी कथाकारों ने हमारे दिल को छू लिया। पिछले डेढ़ घंटे से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं अपने बचपन में चला गया हूँ। और अगर मैं एक एक स्टोरी को थोड़ा थोड़ा रिकॉल करूं, तो एक थी बड़ी इमोशनल स्टोरी जिसमें की देव ज्योति, मैं नाम वक्ता का भूल गया हूँ, बट हाँ वो कलकत्ता की, उन्होंने जो स्टोरी बताई थी कि कैसे उनके फादर इन लॉ कोविड के टाइम पे जिस तरह से पास ऑफ हुए, इट वाज वेरी हार्ट टचिंग। उसके बाद में इतनी पावरफुल स्टोरी एक और जो हमको सुनने को मिली कि कैसे एक कथाकार कहीं पर फंस जाता है और अपनी बुद्धिमत्ता से और एक कहानी सुना के इतने बड़े समुराई को भी डिफीट किया, तो ये एक कथाकार की पावर दिखाता है कि उसमें उसकी कथाओं में कितनी शक्ति होती है। वो बच्चे से लगा के कितने ही पावरफुल लोगों को टच कर सकते हैं और दुनिया को झुकाने की उनमें ताकत है, ऐसा कहूंगा। साथ ही धरती पर ही स्वर्ग है, जो लास्ट स्टोरी हमने सुनी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। मुझे आनंद आ गया आज का ये शाम, बहुत ही अच्छा समान आप सभी ने बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू नितिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मीनाक्षी जी, आपसे सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी कि और अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि आज मैंने बहुत समय बाद कहानियां ये ज्वाइन करी। ये कहानियों की ये इतनी सुंदर तरीके से पिरोई गई सब कहानी, सारे कथाकार इतनी मेहनत करी होगी कहानी को चुनने में, फिर उसको टाइम बाउंड करने में और सुनाने में, सबके एक्सप्रेशंस, मैं तो जैसे दूसरी किसी दुनिया में चली गई और हर एक कहानी दिल को छू गई। पूनम जी को तो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ और जितनी बार भी सुनती हूँ हमेशा सराहती हूँ, पर आज काफी, और प्रतिज्ञा को भी मैं सुन चुकी हूँ पहले, पर आज मैंने आपको सुना वृंदा जी, और पद्मा जी को सुना, देवजानी जी को सुना, और जो और लोगों ने भी जो सुनाया कथा के साथ साथ सुनाने का ढंग, और ये सिर्फ एक मनोरंजन नहीं था, ये काफी समय तक दिल और दिमाग में रहने वाली कथाएं थी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मीनाक्षी जी, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें भी बहुत आनंद आया। और अब मैं पूनम जी को बुलाना चाहूंगी। अच्छा प्रियंका जी, यस आप बताइए। आप सभी को, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं प्रियंका दिल्ली से। बहुत ही सुंदर शाम, सभी स्टोरी टेलर्स को, सभी को मेरा धन्यवाद, ऑर्गेनाइजर्स को, श्री एरिक सर को मेरा धन्यवाद। मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा खास बात थी आज के सेशन में, हम बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं इंटरनेशनल स्टोरी प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत जगह, लेकिन कहते हैं ना, बेसन की रोटी पे खट्टी चटनी जैसी माँ। आज की शाम में जो खुशबू थी मेरी माटी की, जो मेरे देश की मिट्टी की, और मेरी माँ के आंचल जैसा महसूस कर रही थी मैं, वो इसलिए था क्योंकि आज की कहानियां थी मेरी मातृभाषा हिंदी में। मैं चाहूंगी कि यहाँ पे एक एक मोती जैसे जो अलग अलग स्टोरी टेलर्स हैं, हम सभी को मौका मिले और हम पूरे गर्व के साथ हिंदी में खूब कहानियां सुनाएं और सुने। धन्यवाद एक बार फिर। धन्यवाद प्रियंका, बिल्कुल सही कहा आपने कि अपनी मातृभाषा में कहानी सुनाने का मजा ही कुछ अलग है। बिल्कुल सही। Can I say something? जी बिल्कुल।
कहानीकार इधर जिन्होंने भी सुनाया है, आई थिंक श्री विद्या ललिता इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी उन्होंने इतनी सुंदरता से सुनाया है. एंड जितनी आनंद प्रियंका को हुई है, मेरी मातृभाषा तेलुगु है, लेकिन हर कहानीकार की ये हिंदी कहानी में हिंदी भाषा की सुंदरता इतनी उमड़ कर आई है कि जी संतुष्ट हो गया. ट्रूली बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं श्री करुणा की बात सुनकर कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा भाषा चाहे अनेक है. आफ्टर ऑल की जरूरत नहीं है, गलत शब्द का प्रयोग किया गया जिसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ. कुछ भी कहिए, हम सबका दिल तो हिंदुस्तानी ही है. भाषा कुछ भी हो, भाषा का आनंद लेना जरूरी है. अंग्रेजी का अपना मजा है, लेकिन जब हिंदी में बातें कही जाती है ना तो शायद वो दिल तक आसानी से पहुंचती हैं. और कहीं पर शायद डॉक्टर एरिक ने भी ये सोचा होगा कि इंग्लिश में बहुत काम हो रहा है, क्यों ना कुछ हिंदी में भी किया जाए. ठीक है, बहुत भारी भरकम हिंदी न सही, शुद्ध सरल हिंदी से भी हम अपनी बात कह सकते हैं. और आज की जो कहानियां थी, जैसा कई लोगों ने कहा है कि वो बच्चों का खेल नहीं था, बचकाने तरीके से भी कही गई होंगी, कविता पाठ के जैसी कही गई हो, कुछ आवाजें निकाल के कही गई हो, कुछ महसूस करके कही, कुछ गाना गा के कही गई हो, लेकिन कहे वो बहुत गहरी बात रही थी. और वो कैसे कह जाती हैं मजाक मजाक में सरलता से कि वो हमारे साथ सालों तक रहेंगी, महीनों तक रहेंगी, जैसा मीनाक्षी जी ने कहा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है. तो और कोई कुछ कहना चाहे तो हम यहाँ हैं आपके लिए, वरना मुझे लगता है इस खूबसूरत शाम को यहीं विराम दिया जा सकता है. मुझे सोनिया जी नजर आ रही हैं. सोनिया, क्या आप दो शब्द कुछ कहना चाहेंगी? No, I heard everybody's story except that I had to be on my video off because I am also somewhere where it was not allowed for me to keep the camera on, but I thought no way I'm missing out these wonderful story. इतनी खूबसूरत कहानियों को miss करना मतलब जिंदगी से कुछ miss हो जाना. और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो सब लोगों ने इतने खूबसूरत फीडबैक दिए. और अभी अभी श्री करुणा ने कहा कि मेरे कुछ फेवरेट्स हैं, बट कहानीकार होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं फेवरेटिज्म की बात नहीं करूंगी यहाँ पे. बट खूबसूरत कहानियां, क्या बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, हीरे चुन चुन कर कहानियां सुनाना. वृंदा ने हमें जिस तरह से अपनी कहानी में इतना हंसाया, इतना लोटपोट किया. प्रतिज्ञा की कहानी बहुत ही खूबसूरती से बयां कर गई कि किस तरह से हमें अपनी प्रेजेंस का बहुत एक अनुभव होना जरूरी है. पैडी की कहानी, पूनम की कहानी के बारे में ज्यादा नहीं बोलती हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने बोल दिया है. एंड बहुत खूबसूरत और तहे दिल से हर एक का शुक्रिया करना चाहूंगी. जब हम ये प्रोग्राम क्यूरेट करना शुरू करते हैं तो बहुत से लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं. और क्योंकि कहानीकारों का एक ही मकसद है जिंदगी में कि कहानियां साझा करें, किस तरह से कहानियां. आज आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे इस ग्रुप में जितने भी कहानीकार हैं उनमें से बहुतों को कुछ ना कुछ समस्या है. कोई अपने इल हस्बैंड को अभी घर में छोड़ के कहानी कर रहा है, कोई अपनी आप बीती एक ऐसी दास्तां सुनाई जिसे सुनने के बाद फिर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उतना साहस दिखाना कि हम वो कहानी शेयर करेंगे. कुछ कहानीकार हैं जो किसी एक मेहंदी फंक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही कहानी खत्म हो हाथों पे मेहंदी लगाई जाए. और मैंने जैसा कहा कि मैं एक ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ जहां मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती थी, तो मैं अभी बिल्कुल कोने में आके, और आपने देखा होगा कि मेरा जूम का बैकग्राउंड ऑन है, वो भी इसीलिए कि यहाँ पे काफी लोग हैं. बट ये उत्सव एक कहानी का एक उत्सव है जिसे हम एक बिल्कुल उत्सव की तरह मनाते हैं और हर साल इसे सेलिब्रेट करते हैं. और एंड करने से पहले भी, अंत में भी, मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि हम डॉक्टर एरिक मिलर के लिए एक जोरदार जूम तालियों से उनका धन्यवाद करें, क्योंकि उनके उनके एफर्ट, उनके साहस और उनके एक उम्मीद के बिना शायद ये प्लेटफॉर्म संभव नहीं है. और मैं तहे दिल से हर एक का शुक्रिया करना चाहूंगी, चाहे वो कहानीकार था, चाहे वो श्रोतागण थे, चाहे आपने टाइम निकाला और आपने इस शाम का हमारे साथ आप एक हिस्सा बने. बहुत 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 धन्यवाद आपका.
और जस्ट एडिंग राधिका जी, आई थिंक शी वांट्स टू से समथिंग. यस प्लीज. यस राधिका जी, आप म्यूट पे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर नोटिसिंग मी. मैं हिंदी तो बहुत अच्छी बोलती थी क्योंकि मैं दिल्ली में पैदा हुई थी और फिर मैंने एयर इंडिया में काम किया, लेकिन धीरे धीरे अहमदाबाद में आके मेरी हिंदी, गुजराती और इंग्लिश इतनी अच्छी मिक्स हो रही है कि सब लोगों को बहुत मजा आता है मेरी गुजराती सुनने में. तो अगर मेरी हिंदी में थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी गुजराती, मेरी हिंदी हिंग्लिश हो गई अभी, तो मैं कहानी बिल्कुल सुनाना चाहती हूँ और प्योर हिंदी में सुनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं. आज की जो मैंने कहानियां सुनी इतनी अच्छी, सुलझी और इतनी साफ हिंदी में थी, मुझे बीच में शर्म आ रही थी कि अरे मैं तो बीच में कितने सारे इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेती हूँ. गलत, बहुत अच्छा रहा. सभी के सभी कहानीकार बहुत ही मंझे हुए हिंदी के वक्ता है, तो मैं सबको बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी. आप लोगों की हिंदी इतनी अच्छी है और मैं हर कार्यक्रम को देखना चाहूंगी, सीखना चाहूंगी और बहुत अच्छी हिंदी बोलना चाहूंगी. और आप लोगों के एक्सप्रेशंस, माय गॉड, आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस टू. बहुत 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 शुभकामनाएं. थैंक यू, धन्यवाद. बहुत 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 धन्यवाद राधिका. बहुत ही अच्छा लगा आपके ये यू नो एनकरेजिंग वर्ड्स. एंड बिलीव मी, मैं बहुत बार ये कहती हुई सुनी जाती हूँ कि कहानियां भाषा की मोहताज नहीं होती. तो अगर आप हिंदी में, इंग्लिश में, हिंग्लिश में, आप किसी भी भाषा में कहानी सुनते हैं, बिलीव करिए, आज हमारे बीच आप देखिए साउथ ऑफ इंडिया से कहानीकार हैं. कोई बेसिकली तमिल में बात करता है, कोई कन्नड़ में बात करता है, बांग्ला में बात करते हैं, लखनवी में बात करने वाले लोग हैं. आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि वो कहानीकार कन्नड़ में बात करता है, मदर टंग कन्नड़ है या तमिलन है, क्योंकि भाषा एक सिर्फ जरिया है आप लोगों तक पहुंचने का, और जितना हम उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे उतना हम उस भाषा में परिपक्व होते जाएंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद. आपके जैसे श्रोतागण जब रहते हैं तो कहानीकारों के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी. तो आई थिंक पूनम एंड वृंदा, कैन आई शेयर समथिंग? ठीक है, इधर से ही बोल लेती हूँ. मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सोनिया को. ये बैक स्टोरी, हम कहानीकार ये बोलते हैं कि हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है. क्या हुआ, लास्ट ईयर मैंने सोनिया को एक मैसेज किया था कि सोनिया ये व्हाट अबाउट दिस हिंदी कार्यक्रम, क्या मैं भाग ले सकती हूँ, क्या मैं ये एम्बिशन दिखा सकती हूँ कि मैं हिंदी में स्टोरी बोल सकती हूँ, या तो ओवर एम्बिशियस हो रही हूँ क्योंकि मैं बंगाली हूँ, आ ई का सब जानते हो बंगालीज का प्रॉब्लम है, और मैं अभी चेन्नई में रहती हूँ जहाँ पे हिंदी बोलने का चांसेस लगभग जीरो के बराबर है. तो सोनिया ने जस्ट बोलिया, नहीं अभी तो लिस्ट खत्म हो गई, हम देखेंगे जरूर. अब विश्वास नहीं करोगे, इस साल आई गॉट अ मैसेज सोनिया से, तू बोली थी ना लास्ट साल तुझे पसंद है हिंदी में बात स्टोरी शेयर करने, यू वांट टू शेयर इट इन हिंदी, तो क्यों ना इस बार कर ले. एंड द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड हर कि मेरी इतना शुद्ध नहीं है, द फर्स्ट थिंग शी सेड, कहानियां कब भाषा की बहताज होने लगी. सो ये बात मेरे दिल को छू गई और मैंने सोचा ठीक है कुछ शेयर कर ली जाए आपके सामने, आपके साथ. थैंक यू सोनिया. थैंक यू डॉट, थैंक यू सो मच. यू नो आई एम अ लिटिल ओवरवेलम्ड एट दिस पॉइंट, थोड़ा सा क्योंकि आपकी कहानी बहुत, और जब भी आपने ट्रायल में भी प्रैक्टिस करते हुए भी कहानी सुनाई, मैं उसके 15-20 मिनट बाद भी सेशन के बाद हमेशा सोचती रही कि कहानीकार कितनी सहजता से अपनी बात कह सकता है, कितनी सरलता से अपनी इतनी
इतनी पर्सनल, एक ऐसी दास्तां जो दुख से भरी है, अपने में से किसी को खोने से सबसे बड़ा दुख, ज्यादा दुख कुछ नहीं हो सकता है, और उस कहानी को, उस दास्तां को एक कहानी के रूप में कहना कोई कहानीकार से सीखे। और डेब, मैं आपकी कहानी की परफॉर्मेंस और यू एज अ स्टोरी टेलर के बारे में कुछ भी कहूंगी तो वो कैसे कहते हैं ना, सागर में एक बाल्टी पानी डालने के बराबर होगा। आप पिछले 2-3 दशक से कहानियां सुना रहे हो, इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और वो दिखता है आपकी सरलता में और आपकी सहजता में। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप आज हो यहाँ पे, आपने ये कहानी सुनाई, और सुनने वालों के लिए भी एक सौभाग्य ही कहूंगी मैं कि किसी की एक पर्सनल ग्रीफ की कहानी को सुन के जितना एनकरेजमेंट होता है ना, कि क्योंकि आपकी कहानी यही है कि एक मुट्ठी दाल लेके आओ वहां से जिसके यहाँ कोई मृत्यु ना हुई हो, तो ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ ग्रीफ नहीं हो। तो जब हम इस तरह की कहानियां सुनते हैं तो हमें एक और एनकरेजमेंट मिलता है, एक और इस तरह का उसको झेलने का एक जरिया मिल जाता है कि अगर उसके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हुआ तो कोई बात नहीं। तो मैं यही कहूंगी कि आज जितने भी ऑडियंस थे हमारे बीच और हम सब भी एक दूसरे के लिए सौभाग्य हैं कि हमने एक दूसरे की कहानी सुनने का इस जरिए से मौका मिला। सो थैंक्स टू यू डेब फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आई थिंक इफ एवरीथिंग इज फाइन, पूनम, वृंदा, एवरीबडी, डेबी, पद्मा, प्रतिज्ञा, श्री, ललिता, आई थिंक वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबकी अनुमति से अनुमति। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। ललिता, आपकी कहानी इतनी खूबसूरत थी, मैं शुरू में थोड़ा डर गई थी कि ये ललिता ने ज्वाइन नहीं किया है, कॉन्फिडेंसली अभी ललिता आ जाएगी। एंड यू नो, बाय द वे, लेट मी टेल यू, अगर बाकी ऑडियंस अभी हैं, कि ललिता ने आज, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पहली बार हिंदी में कहानी सुना है एक मंच पे, और ये किसी को मैं स्पिल्ड ऑल द बीन्स, यानी शुरू में बता दिया था कि कोई अच्छी बात करना, वो पहली बार सुना रही है, क्योंकि वो पहली बार से बहुत अच्छी है। इमेजिन कीजिए कि थैंक यू सो मच, थैंक यू, बट थैंक यू, एंड आई थिंक लेट्स स्टे कनेक्टेड। बहुत खूबसूरत ये हमारा ग्रुप में बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ साल, हम बहुत खुशनसीब हैं, ऑलमोस्ट 44-45 पीपल वर देयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, व्हिच इज अ वेरी गुड नंबर, एंड वी आर रियली हंबल्ड एंड ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस। एब्सोल्युटली, मतलब एक कहानीकार को श्रोता ही तो चाहिए, कान ही तो चाहिए, वरना खुद को तो हम रोज कहानियां सुनाते हैं। आई थिंक आई कैन स्टॉप द रिकॉर्ड।